शुक्रिया चलो चलो नोट करो भाई आज का टॉपिक, आज का टॉपिक है नागरिक समाज। मजा आएगा तुम्हें, इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट है। इधर तुम जानोगे कि सोशल मीडिया क्या है, ठीक है? वो तुमने गाना सुना सेल्फी मैंने ले लिया, नहीं सुनो पूजा कोई नहीं जानता, इतनी बड़ी यूट्यूबर है। छोड़ दो, तुम लोग जनरेशन से बाहर है ना। हाँ नहीं सुना तो सही, नहीं सुना तुमने। अरे सबसे बेकार है, पर ट्रैक गया था सुना होगा भाई। चलो फोटो दिखाएंगे तो बचा है। पहले जरा ये नोट करिए आज हम, हाँ दिखा देंगे फोटो, आज हम बात करेंगे कि नागरिक समाज क्या है। लेकिन इसे समझने से पहले जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है विश्व में, और विकास क्या है, क्यों विकास हुआ, किस लिए हुआ, चुनौतियां क्या है, तुलनात्मक अध्ययन। आपकी क्लास में नोट भी बनते रहेंगे, बनाते रहिए शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? लिखो ये सब, लिख लिया ये तो नोट करो जो इतना लिखा है, अभी तो रुका हुआ हूँ। हाँ नोट करते चल। कैसे हैं धर्मेंद्र राज, कृष्णबाजी नहीं आया आज आपके मित्र? आ रहे हैं कोई बात नहीं, वो अगली क्लास के लिए समय से पूर्व आ जाते हैं। पॉजिटिव रहिए ना, नेगेटिव क्या चल। लिखो भाई आज पढ़ेंगे नागरिक समाज, और उससे पहले जो जो ये नोट करता जाए मुझे बताने का प्रयास करें कि आप नागरिक समाज का भाग है कि नहीं। इसे अंग्रेजी में सिविल सोसाइटी कहते हैं। कोई बताने का प्रयास करो कि सिविल सोसाइटी होता क्या है, किसी ने सोचा कभी क्या होता सिविल सोसाइटी, बताओ। हाँ यह शब्द पहली बार सुना है। अच्छा ये तो पता है कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो सिविल राइट कहलाते हैं, तो सिविल सोसाइटी कुछ तो ऐसा होता होगी जिसके पास कुछ अधिकार होते होंगे। बुद्धि लगाइए, अगर मौलिक अधिकार को सिविल अधिकार बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, पॉलिटिकल राइट्स बोला जाता है, सिविल राइट बोला जाता है, तो आज हम एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जिसमें भी सिविल लगा है। क्या इसमें समाज में जो बेटा नागरिक है, और क्या लगता है सिविल सोसाइटी? अच्छा आसान भाषा में क्या आप सिविल सोसाइटी हो? चलो आपको सिविल सोसाइटी बना दो, बना दो अभी, बना देते हैं सिविल सोसाइटी। लो ठीक है चलो, कितने लोग इस पक्ष में हैं, कितने लोग इस पक्ष में हैं कक्षा में कि महिलाओं की क्लास अलग होनी चाहिए, पुरुषों की क्लास अलग होनी चाहिए? हाथ खड़े करो। अरे मैं आपको सिविल सोसाइटी बना के दिखा रहा हूँ, देखो प्रैक्टिकल करके मजा है गवर्नेंस का। खाली डेफिनेशन अभी है कि लाएगा, ठीक है टैक्स भी आएगा, बहुत सारे आएंगे, बड़ा मजा आएगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। सबसे पीछे वाली बिटिया बताओ, लड़कों की और लड़कियों की क्लास अलग अलग कर दें, लड़कियों की इधर और लड़कों की इधर, ठीक है एक बोर्ड तो मिला। और जाओ बेटा जाओ, तुम भी बैठो, तुमसे ही प्रश्न। हाँ कर दीजिए, दो बोर्ड, दो बोर्ड देख लो, अभी सिविल सोसाइटी का गठन कर रहा हूँ मैं। और कोई, दोनों बालिका है कर दी, मैं कह आई एम द बॉस, मैं कह रही सामने कुत्ता मार दी। ऐसे ही किसी ने सलमान खान से कहा होगा, मैं कह रही गाड़ी, ऐसा कोर्ट नहीं मान। हाँ अगला बताओ भाई, बताओ क्या लगता है, ठीक है क्या लगता है बताओ चमन, क्लास को अलग अलग कर दे, लड़कियों क्लास अलग लड़कों के अलग? अरे बताइए सर, कर दे सर, मैं तो पीछे वाले तीन लड़का पसंद है। कर दे अलग अलग नहीं करे? अरे बाप रे बाप, समाज में थी, विद्यालय परिसर में नहीं थी, समाज में थी। तो अब आप अंत में जाकर के कहना चाहते हैं कि सर ये शिक्षा प्रणाली मत तोड़िए, इससे वास्तविक मूर्त अमूर्त चिंतन बना रहता है ना। अंकित जी आप बताइए, आपको क्या लगता है लड़कियों की क्लास अलग या लड़कों की अलग? नहीं जेंडर वाइज होना, ठीक है बेटा इसी को नागरिक समाज कहते हैं। कैसे? सुनना मजेदार चीज, जब भी मैं आपके सामान्य इंटरेस्ट पर या कुछ लोगों का कॉमन इंटरेस्ट, कैसे आप में से कई बच्चे ऐसे बैठे हैं जो सिर्फ पढ़ने आते हैं जिन्हें जेंडर से कोई मतलब नहीं, आप में से कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जो कह रहे हैं ठीक है सर भागीदारी क्यों करेंगे, बराबर होना चाहिए इस दृष्टिकोण से और कोई दृष्टिकोण से नहीं, ये सर महिलाएं भी साथ में पढ़ेंगी पुरुष भी पढ़ेंगे जेंडर वाइसनेस नहीं होगी बेहतर समाज बनेगा। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति या जब भी राज्य सरकार अगर आपकी समान 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 इंटरेस्ट पर या उस सामान्य चीज पर प्रतिघात लगाएगी, आ जाओ बेटा बैठ जाओ, तो आप लोग उठ खड़े हो जाएंगे, इसे ही सिविल सोसाइटी कहते हैं। नहीं समझे बैठ जाओ, मैं दोबारा समझा आसान कर दे रहा हूँ डेफिनेशन, समझना ध्यान से समझना।
बैठ जाओ बेटा। एसएससी के तो नहीं है बच्चों? नहीं, ये तो एसएससी नहीं है, ये तो आए थे स्टार्टिंग में। बेटा आप तो एसएससी रही है, तो क्या शुभ नाम है आपका बिटिया? सपना। अगर वहाँ एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है तो ये दो लड़कियाँ घेरे बैठी, सीट मोनोपोली नहीं है, तुरंत बैठ जाए। गुड। हाँ, क्योंकि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। और सपना कॉन्फिडेंस करो, ये क्लास कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की टेंशन नहीं कि हम आज ही आए कोई क्या सोचेगा। अरे कुछ नहीं सोच रहे हैं, मास्टर को सैलरी नहीं आ रही, ये भी विचार नहीं कर, मास्टर समोसा चाय भी नहीं दे पा रहा, ये मास्टर विचार नहीं कर रहा। चलो तो बेटा फिर से समझो, नागरिक समाज की सर सीधी परिभाषा है, अब सर लिख के भी दिखा दो। तो लो बेटा समझो, हर किसी का समाज में कॉमन हित होता है, और जब भी अगर उस हित पर प्रतिघात होता है तो वह सिविल समाज हो जाता है। बताऊं कैसे? ये रहा मौर्य समाज। अब मौर्य के साथ सोसाइटी में सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। जब भी कोई ऐसा कानून आएगा, जब भी राज्य सरकार मौर्य के लिए कुछ गलत करेगी, तब मौर्य सरकार का विरोध करेंगे, और बेटा मौर्य सरकार को याद दिलाएंगे कि हम भी समाज का भाग है, तुम हमारे साथ गलत नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी वर्ग कहलाता है सिविल सोसाइटी। बात आई समझ? तो सर इसका मतलब ये है कि किसान आंदोलन एक सिविल सोसाइटी के द्वारा किया गया था? बिल्कुल सहमत हूँ सर। इसके लिए जैन संरक्षण सिविल सोसाइटी, पंडित संरक्षण सिविल सोसाइटी, वाल्मीकि समाज जो अपने हितों की मांग करता है सिविल सोसाइटी। तो फिर सर दबाव समूह में क्या अंतर है? तो अब मुझे आपको दबाव समूह भी बताना पड़ेगा। विषय पढ़ने का एक तरीका होता है, मैं आपको एक आसान चीज कर देता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा लौकी आ गई दिमाग, जल आ गया दिमाग में, अब मैंने कहा सिविल सोसाइटी, दिमाग खाली। यही होता है कि अगर आपको टर्मिनोलॉजी देखते ही उसके बारे में कुछ याद आ रहा है, जल्दी आओ, देखते ही टर्मिनोलॉजी कुछ याद आ जाए, इसे ही पढ़ाई कहते हैं। आज की डेट में मैं आपसे कहूँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं, ऐसी तैसी में आपको तुरंत कौन याद आ गया? मोदी जी याद आए कि नहीं आए? पापा, अपने पापा याद आए कि नहीं? क्योंकि हाँ, अरे भैया सीधी सीधी वास्तविकता है, पापा शब्द का अर्थ क्या है कि भैया हमारे लिए जो पापा फिगर, ठीक है? तो इसका मतलब ऐसे ही यहाँ पर मुझे आपकी सोच में डालना है कि जब भी सिविल सोसाइटी आए तो आपको ये चीज याद हो जाए। ये बात आई समझ में? मैं फिर प्रयास करता हूँ, फिर देखते हैं, समझना ध्यान से। इसका डायग्राम ऐसे बनता है कि ये हमारा समाज है, इसे कहते हैं सोसाइटी, और हर सोसाइटी के सामान्य हित होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। मैं आपको और प्रूव कर दे रहा हूँ, ठीक है? कॉमन इंटरेस्ट सर कैसे कैसे कैसे? मान के चलो ये समाज बनाए छात्र से, महिलाओं से, पुरुषों से, वैश्याएं भी समाज का हिस्सा है, फौजियों से, अलग अलग प्रकार के लोगों से। अब इनमें से जिसका कॉमन इंटरेस्ट होगा वो सिविल सोसाइटी हो जाएगा। कैसे? ये छात्र है, छात्रों के लिए सरकार ने क्या करा बेटा, ध्यान देना, 58% आरक्षण को ले जाके कर दिया 7% आरक्षण। स्टूडेंट क्या करे सर? स्टूडेंट का सामान्य हित जो है, स्टूडेंट का ध्यान से सुनना, स्टूडेंट के सामान्य हित को चोट दी। किसने चोट दी सर? राज्य ने। यहाँ राज्य का मतलब क्या है? आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 का मतलब क्या है? सरकार। क्या ये स्टूडेंट सरकार के विरोध में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बेटा जाना इनका अधिकार है, और इसी को कहते हैं बांग्लादेश के अंदर खराब माहौल। यही वजह बांग्लादेश ने 58% के आरक्षण को कम करके 7% कर दिया वहां के हाईकोर्ट ने। अब ये किसके सामान्य हित पे चोट थी? बेटा बैठ जा जल्दी, बैठ जा जल्दी, टॉपिक उड़ जाएगा। बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, मुझे समझाना पड़ेगा ताकि आप कनेक्शन जोड़ लें। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, सोसाइटी के अंदर किसान है, काश्तकार है, महिलाएं हैं। अभी आप सब लोग आराम से बैठे हुए हो, अभी अभय भी आराम से बैठा हुआ है, लेकिन अगर स्टूडेंट के लिए कोई भी फैसिलिटी पे चोट दी जाएगी तब आप आपस में कॉमन चर्चा करेंगे, फिर आपके अंदर धीरे धीरे एकता का विकास होगा कि अरे ये तो चीज गलत हो रही है, हमारे लिए पंखा भी नहीं है, एसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीटें भी नहीं है, स्मार्ट बोर्ड भी नहीं, तो आप पढ़ेंगे कहाँ से? जब आपके सामान्य हित पे राज्य चोट देता है तब आप अपने हितों की पूर्ति हेतु जब एक साथ आते हैं, इसी को सिविल सोसाइटी कहते हैं। कोई दिक्कत? यही काम किसने करा? किसानों ने। यही काम किसने करा सर? अभी देखा था आपने जनवरी में वाहन चालकों ने भी ये काम करा था। समाज में ऑलरेडी ट्रक ड्राइवर रह रहे हैं सर, हमारे भी चाचा या रिश्तेदार में कोई ना कोई निकलेगा, अच्छे से समाज में रह रहे थे। एक दिन सरकार आई, सरकार चालकों से कहती है आज से तुम किसी को उड़ा दोगे, हिट एंड रन केस, 10 साल की सजा, इतने लाख रुपए जुर्माना। अब उनका सामान्य खराब हो गया, बोले यार हम तो चालक हैं, अगर हम रोड पर कार चलाएंगे एक्सीडेंट होने की बात है। दूसरे ड्राइवर से संपर्क करा, बोले यार मैं तुम्हारे पॉइंट से सहमत हूँ, तीसरी करा, ऐसे करके सिविल सोसाइटी बन गई, और वो राज्य के अगेंस्ट चक्का जाम हो गया कि राज्य को समझाया गया या तो तुम इस कानून को वापस ले लो
और अगर तुम इस कानून को वापस नहीं लोगे तो हम सिविल सोसाइटी है, तुम हमारे लिए हो, हम तुम्हारे लिए नहीं है, हम पूरे शहर को ब्लॉक कर देंगे। और सरकार को फिर कानून वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा, बात समझ रहे हो? इसी को सिविल सोसाइटी। अब आप तीन चीजें लिख लीजिए ताकि आपको और आनंद आने वाला है। लिखिए यहां पर ऐसी लाइन ड्रॉ करिए, जो लोग आ जाए मैं बता दूं गवर्नेंस चल रहा है, टेंशन मतलब कंसेप्चुअल लेकिन प्रैक्टिकल है। आज आप अगर ये टॉपिक पढ़ेंगे अभी अगले तीन मिनट में आपके दिमाग में एक चीज होगी, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, मोदी जी ने ये नारा दिया था। आपको लग रहा होगा सर सबका साथ मतलब महिलाओं का, दिव्यांगों का, उद्यमी का, किसान का, और सबका प्रयास मतलब जो भी वंचित वर्ग है। नहीं, मोदी जी जानते हैं प्रेशर ग्रुप क्या है, दबाव समूह, मोदी जी जानते हैं नागरिक समाज क्या है, मोदी जी जानते हैं कि इसके अलावा अन्य सोशल ऑडिटिंग क्या है, और गवर्नेंस को कहावत में बदलना मोदी सरकार का काम। आएगा मजा अभी देखो। चलो लिखो सबसे पहले तीन संरचनाएं लिखो बेटा। सबसे पहले यहाँ पर लिखो दबाव समूह, ये भी बताते हैं कंपेयर करते चलते हैं। सबसे पहले लिखिए दबाव समूह, उसके बाद सर क्या लिखे हम, उसके बाद लिखिए नागरिक समाज, नागरिक समाज, और सर तीसरा आप क्या पढ़ाएंगे, गैर सरकारी संगठन। अभी अंग्रेजी भी लिख दे रहा हूं तो टेंशन नहीं, मास्टर तुम्हारा खुद अंग्रेजी जानता है ठीक। तो भैया दबाव समूह को क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप ठीक है बेटा। ये ट्रेन वाला बस वाला प्रेशर ग्रुप नहीं है कि हटो यहां से धक्का आ रहा पीछे से, ये समाज के अंदर प्रेशर ग्रुप है कि सर हम जनरल के डिब्बे में चले और प्रेशर ग्रुप महसूस हो गया, वो वाला प्रेशर नहीं है। बच्चे को हर एस्पेक्ट तक चला समझाना पड़ता है। मैंने कहा बेटा तराजू और न्यायिक तराजू में क्या अंतर है, बोले सर जब न्यायालय में तराजू टांग दो तो न्यायिक तराजू और जब सामान तोल दो तो भैया किराने का तराजू। मैंने बेटा तुम जरूर बड़े होकर के राष्ट्रपति होंगे, बोला क्यों, मैंने छोटी मोटी पद तुम्हारे लिए। चलो आगे तो भाई नागरिक समाज की बात कर लेते हैं, इसे कहते हैं सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का अर्थ बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना कि आपके दिमाग में आ जाए आदर्श समाज जहां सब हीरो हीरोइनी हो, जहां सब गांधी जी हो, बेटा ये आदर्श समाज की बात ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि सिविल कुछ अधिकार, और वह अधिकार किसके पास है, समाज के पास है। एक एक डेफिनेशन को क्रिस्टल क्लियर करते चलेंगे, समझते चलेंगे। और सर तीसरा क्या है बेटा, जो तुम हमेशा बनाने की सोचते हो जब तुम यूट्यूब शॉर्ट वीडियो देखते हो, रोड पे पड़ा डॉग उन्होंने उठाया पैर जोड़ दिया, बोले हम वो एनजीओ बनाएंगे। अब वो एनजीओ कैसे बन रही, ओए तुझे पता है एनजीओ कैसे बनती है दोस्त से, वो कह रहा तुझे नहीं पता मुझे कैसे पता होगी, मैं तेरा ही तो दोस्त हूँ, बस सपना टूट गया। ऐसे एनजीओ बनती, भारत में ऐसी एनजीओ चल रही, और यही सपना कैलाश सत्यार्थी ने देखा होता तो बचपन नाम की इतनी बड़ी एनजीओ नहीं चला पाते, जिसको भैया नोबेल पीस पुरस्कार मिला। सुना है कैलाश सत्यार्थी के बारे में, चलो आज सुन लोगे सर, हमने तो कुछ भी नहीं सुना सर, कल की क्लास सुनी बस। चलो अब इन तीनों में आप अंतर समझिएगा, बड़ा मजेदार अंतर है, समझना सीधे सीधे सीधी बात है ना। इस पर आप लिखिए डायरेक्ट, लिखिए डायरेक्ट प्रत्यक्ष, ठीक है मजा आएगा, शॉर्टकट बता। उसके बाद इनका क्या लिखना है, इनका लिखना है मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट, ठीक है ये बिचपई होते हैं, बीच में बीच में बीच में। और बेटा गैर सरकारी संगठन, ना बिचपई ना मध्यवर्ती, कुछ नहीं होते, कुछ नहीं होते। ये डायग्राम आपके पास होना चाहिए, इस डायग्राम को आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, अभी समझाने के बाद फिर से डायग्राम पे आऊंगा, फिर डायग्राम पे आऊंगा, यही डायग्राम सबसे महत्वपूर्ण है ठीक है। इसको नोट करिए, दबाव समूह, नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठन। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आते मैं वादा करता हूँ आपको समझ में आ जाएंगे, अभी आप समझेंगे सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका मजाक क्या, सबका मजाक तो आपको लिखा बेटा सही, जिनने शुद्ध हैंडराइटिंग में लिखा है सब्बास, जिनकी हैंडराइटिंग मेरे से मेल खाती है कोई बात नहीं बेटा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी नहीं खोजी गई, अब मुझे लगता है निश्चित ही उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य में लिखा हुआ चला जा मतलब डेट डेट है ठीक है। चलो हटा दूं जी, आप सुनो जरा ध्यान से, ऐसे कैसे हटा दूं समझा दूं। चलो दबाव समूह का मतलब ये होता है यहाँ पर निजी स्वार्थ होता है, निजी स्वार्थ होता है, वकीलों का प्रेशर ग्रुप दबाव समूह, हमें अधिकार दो, वकीलों के लिए काले कोट वाली एसी लगवा के, वकीलों के लिए सैलरी बांध दो, वकीलों के लिए हर पैसे की फीस ज्यादा दो, तो जो सिर्फ अपने निजी हित की बात करेगा वो दबाव समूह होता है। तुम स्टूडेंट हो तुम्हें नहीं पता कि भैया करीना कपूर कंगना रनावत कौन है क्या, आ जाओ जल्दी बैठो, पूजा थोड़ा सा टॉपिक मिस हुआ लेकिन मैं रिपीट कर दूं, बैठ जाए। चलो
पीछे इधर दोनों वाली का है, गलत नहीं लग रही बेटा कि विनर बन जाना कहते सी से धूप लग के आए तो भैया ज्यादा रेडिएशन हो रहा है, पता चले घर पहुंचो हाथ ले रही पड़ रही सो लगे आप से उठ जाओ आप विनर को तुम लोग कब से पंच तीनों पंच बार है कितना काफी करते हो माना बालक अंतर एक समान करके हो एक तरह इंसान लेकिन ऐसा थोड़ी कि भैया पंच बार हां चलो सोच रहे वाह सोच रहे अच्छा हुआ तुम्हारे हाथ में कुछ और नहीं तब पता चलता क्या सोच रहे हो मोटरसाइकिल का पुराना टायर है ऐसे तो हम गांव जाते गोबर चबाए मम्मी क्या कर सोच रहा है ये थ्योरी नहीं आई है कल क्लास से निकली है नागरिक सभ्य समाज थ्योरी गोबर खाते हुए सोच कली लांच किया चलो आ जाओ तो समझिएगा दोबारा समझिए ठीक है बेटा ध्यान देना पूजा अभी इसके बाद आगे टॉपिक बढ़ेंगे तो आएगा समझ प्रेशर ग्रुप का मतलब ये होता है सीधी बात जिनका अपना निजी स्वार्थ होता है निजी स्वार्थ का मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ पर पूछा कितने लोग जो है वो टीचर डे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं बोले टीचर डे मतलब दावत दावत मतलब कुछ खाने को मिले लेकिन है धोखा हो गया वो अलग की बात है टीचर मतलब सेलिब्रेशन पढ़ाई नहीं होगी तो एक जैसे स्वार्थ के लोग जब अपने निजी हित के लिए आ गया जाए आई आपकी क्लास में अच्छा तो जब एक जैसे जो आज कैमरा लेना जब एक जैसी सोच के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज में राज्य पर दबाव डाले राज्य मतलब सरकार पर उसे प्रेशर ग्रुप कहते हैं देख लो डॉक्टरों का यूनियन सिर्फ हमें सुविधाएं दो हमसे कुछ मत लो फोटोकॉपी यूनियन हमें सिर्फ पैसा 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 चार रुपया फोटोकॉपी दो हम समाज को कुछ नहीं देंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ग्रुप अपने निजी स्वार्थ को ही देखते हैं बात आई समझ में या नहीं अगर सिर्फ महिलाओं की एक मंडली बन जाए जिसे कहेंगे नारीवाद फेमिनिज्म तो वो भी एक प्रेशर ग्रुप है समाज के ऊपर सर किन्नरों की एक सभ्यता आप कभी भी उठा के देख लो किसकी मांग करेगी हमें अधिकार दो हमें अधिकार दो जो समाज या राज्य को देने की बात ना करे परंतु उससे छीनने और लेने की बात करे और उस पर दबाव बनाए उसे ही प्रेशर ग्रुप कहते हैं बात आई समझ में आसानी से अब मैं पूछूं बताइए भाई भाई बत्ती विभाग के कुछ लोगों ने अपना एक संगठन बनाया कर्मचारियों का क्या ये दबाव ग्रुप में आएगा वेरी गुड आप बताइए छात्रों ने अपने एक समूह को बनाया उसको बनाने के बाद में कुलपति से मांग कर रहे हैं प्रेशर ग्रुप में आए बिल्कुल अब सुनना ध्यान से नेताओं ने एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन करा और उस पॉलिटिकल पार्टी से मांग रहे हैं कि हमें ये अधिकार दे दो हमारी पार्टी ये करती प्रेशर ग्रुप में आएगा बिल्कुल आएगा सर चौथी चीज पत्रकार एक साथ इकट्ठे हो गए कह रहे हैं हमारी जान को खतरा होता है हमारी भैया जान बचा जान मतलब उनकी निजी जान समझ गए तो मतलब निकल जाते हो तो भैया पत्रकारों ने अपनी जान बचाने की मांग करी तो ये कौन सा समूह हो जाएगा प्रेशर ग्रुप अब आई बात समझ में सर क्लास के अंदर अलग से एक वर्ग जो है मान के चलो गंगवार वर्ग अलग होकर अपना समूह बना ले गंगवारों के लिए अत्यधिक मैगजीन प्रदान करो तो भैया प्रेशर ग्रुप चरण ऐसे ठीक चलो आ जाओ अब ये चीज समझ गए ये यहाँ बात आ गई समझ में जितने डायरेक्ट सरकार से लड़ाई करते मिलेंगे दे ऑल आर प्रेशर ग्रुप और सरकार इस प्रेशर ग्रुप से इतना दुखी है क्योंकि अब इस प्रेशर ग्रुप के अंदर एक नई परिभाषा और जुड़ गई है मनीषा की जैसी पढ़ी लिखी बच्ची आती है इंटरनेट पे कहती है मोदी जी ऐसे थोड़ी ना देश चलता है तुमने देश बर्बाद करके रख दिया और 30 सेकंड की क्लिप बना के भाग जाती मोदी जी कह रहे मैं भूत कैसे पकड़ूं ज्यादा से ज्यादा क्लिप डिलीट कर देगी और ज्यादा होगा तो शकल नहीं दिखाएगी वॉइस ओवर कर देगी आज की डेट में सोशल प्रभाव जो समूह है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप है ये कुछ भी मांग जाता है अंडरसेंट कुछ भी कर जाता है सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं कि हम इस दबाव समूह को कैसे पकड़ें क्यों क्योंकि भारत में इसके लिए कोई स्पष्ट विधि का ढांचा नहीं है इतने से बड़ा अपराध हो जाएगा आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो डिलीट कर दोगे माफी मांग लोगे जुर्माना दे दोगे जेल जाओगे एलविस वाला मामला देख लीजिए थोड़े समय में बाहर आ जाओगे तो ये दबाव समूह के अंदर जो भी नई चीज इस समय सरकार के लिए नुकसान दे रही वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यानी सोशल संचार प्रभाव डालने वाला समूह बात आई समझ में कि नहीं है समझ रहे हो बेटा समझना डॉक्टर जब एक साथ आ जाते हैं मांग करते हैं हमें अधिकार दो सरकार से तो वो भी प्रेशर ग्रुप है लड़कियां एक साथ आके सरकार से अपने हित की मांग करेंगी प्रेशर ग्रुप होता है ऐसी सोशल मीडिया पर लोग अधिकारों की मांग करते हैं वो भी प्रेशर ग्रुप होता है कोई दिक्कत अरे क्या हो गया भैया बोतलें फेंक दी हाँ पूछ बिल्कुल रिटर्न ट्रेन वाले जो चालक थे और वो विरोध कर रहे सरकार का वो प्रेशर ग्रुप है रिटर्न ट्रेन का नियम नहीं आएगा इसमें कोई कानून नहीं आता मैं बता रहा हूं अभी दूसरे पे तो आ रहा है चलो आप समझना सुनो ये तो सर वो होते हैं जो अपना पद या खुद को दर्शा रहे अब तुम्हें कंफ्यूजन इसमें हो सकती है तो सुनो भैया इसकी भी बात कर लेते हैं आ जाओ जरा ध्यान से दो का डिफरेंस ले लेते हैं सर एक है दबाव समूह प्रेशर ग्रुप और एक है सर सिविल सोसाइटी
सिविल सोसाइटी। अब मैं दोनों की परिभाषा लिख रहा हूं। मैंने लिखा सीधे प्रत्यक्ष, और यहां मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां मैंने लिखा समूह, आ जाओ बीच में खालीपन और राज्य। सर ये खालीपन क्या है? यही अंतर। सर क्या अंतर है? अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। नागरिक समाज और प्रेशर ग्रुप में क्या मतलब है? प्रेशर ग्रुप तो अपने जैसों का एक समूह बना के मांग कर लेते हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका बेटा? यूपीएससी वाली एसएससी में तो नहीं है आप? तो ठीक है। क्या नाम बताया? नीट जी जी बेटा, मैं थोड़ा हूँ, थोड़ा सा बहरा हूँ, पूजा खेत कर सकता है। चलो अब सिविल सोसाइटी का अंतर समझना। सुनो सिविल सोसाइटी बड़ा मजेदार चीज है, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। अश्वेत आपके लिए, इधर वाले में सिर्फ वकील मांग कर रहे थे, इधर वाले में सिर्फ वकील मांग नहीं करे। इधर सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है, इधर क्या होता है कि सरकार जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाती, यूपीएससी आप यूपीएससी वाले की एसएससी वाले तो जाओ बगल में जाओ, नहीं होता है। चलिए भाई, मतलब एसएससी वाले जो है वो टीचर रेट की अंतर नहीं समझ पा रहा है, ये टीचर यूपीएससी पढ़ा रहा है और तुम्हें क्या लगा है? तो तुम लोग कुछ भी लगवा लेते हैं, समझना। जब सरकार और समूह के बीच में सरकार का कोई ऐसा कृत्य आ जाए या कोई ऐसा कानून आ जाए या कोई भी सरकार की नीति आ जाए, तो ये थोड़े समय के लिए आते हैं, जब कानून ठीक हो जाता है तो वापस भाग जाते हैं, लेकिन प्रेशर ग्रुप परमानेंट रहते हैं। ट्रेड यूनियन बन गई तो बन गई, लेकिन सिविल सोसाइटी तभी आती है जब तक उसके अधिकारों पर चोट नहीं दी जाती है। बताऊं इस क्लास के अंदर आज मैं दो प्रेशर ग्रुप बना दूं, महिलाओं का ग्रुप अलग, बॉयज का ग्रुप अलग, तुम दोनों इंडिविजुअली क्या होगा? प्रेशर ग्रुप दबाव समूह। जब भी लड़कियों के अधिकार की मांग है तो ये अपने अधिकार की मांग रखती रहती है कोऑर्डिनेटर जी के सामने, लेकिन तुम लोग एक साथ क्या हो? तुम एक साथ नागरिक समाज हो। कैसे एक नागरिक समाज हो? कि अभी ऑर्डर आ जाए कल से कोचिंग बंद बिना किसी कारण के, तो तुम बन जाओगे सिविल सोसाइटी। क्यों? जब तक कि ऐसा कोई कानून नहीं आया जिसने उस समाज के अंदर सामान्य हित को प्रभावित नहीं करा, तब तक सिविल सोसाइटी का गठन नहीं होता। ये अस्थाई होती है, काम कराती है, वापस चली जाती है। बताओ कोई सा किसान आंदोलन करने के लिए धरने पर बैठे, जबकि किसानों की यूनियन तो पहले से थी, लेकिन यूनियन को साथ में आना पड़ा ताकि सरकार के कानून वापस हो जाए। इसका दायरा सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा है, दबाव समूह इसके अंदर आता है। अब आई बात समझ में या नहीं? और आसान कर देते हैं, और आसान कर देते हैं, और आसान, समझना। इधर मैं लिख रहा हूं दबाव समूह, इधर मैं लिख रहा हूं ये हमेशा हमेशा अपने हितों की मांग करेंगे, हितों की मांग करेंगे, ठीक। पहली चीज हमेशा करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए डॉक्टरों का यूनियन, एग्जाम्पल के लिए लिख दीजिए छात्र यूनियन, छात्र संगठन, हमेशा बन गया मांग सुनो, बन गया मांग सुनो, कोई कानून हो या कोई कानून ना हो, कंडीशन नंबर वन। ये हमेशा कैसा होता है? स्थाई। कैसे काम करता है? प्रत्यक्ष काम करता है। अब दबाव समूह समझ लीजिए, दबाव समूह के बाद में आ जाता है नागरिक समाज। नागरिक समाज कैसे काम करता है? जब 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 समाज में अस्थिति उत्पन्न होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है, यह सरकार की किसी नीति द्वारा हो सकता है, कानून द्वारा हो सकता है, और इस कानून से जब कुछ लोग प्रभावित होते हैं तब वे आपस में जुड़के, आपस में जुड़कर इस कानून में सुधार की मांग करते हैं, इस कानून में सुधार की मांग करते हैं, मांग करते हैं, मांग करने के बाद फिर चले जाते हैं। मैं एक और एग्जांपल दूं, बैठे कृष्ण पर एक और एग्जांपल दूं, अभी आप खुद बताओगे और मजा आ जाएगा आपको। शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे वो प्रेशर ग्रुप थे कि सिविल सोसाइटी थे? बड़े ध्यान से सोच के बताना। शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे वो दबाव समूह थे कि नागरिक समाज थे? बड़े ध्यान से सोचो, डेफिनेशन पढ़ो, तुम अंतर ले गए तो तुम कंसेप्ट समझ गए। अब असल सोचो कि शाहीन बाग की समस्या क्या थी, प्रेशर पर हुई थी, डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो। खराब राइटिंग के लिए किए थे, लेकिन मैं जितने नहा गया था उसे एक उत्तर आ गया। और कोई, और कोई अस्मित क्लियर है क्या होगा? क्यों
अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात सोचिए कि शाहीन बाग के जो लोग हैं, मैं मानता हूँ वो एक विशेष समुदाय से थे, लेकिन उनके साथ में और भी संगठन जुड़े, गैर संगठन भी जुड़े, सभी आके बैठे, और आज की डेट में शाहीन बाग एग्जिस्ट करता है, वो लोग एग्जिस्ट करते हैं क्या? नहीं। तो एक समय के बाद चले गए, सरकार कानून ला रही थी, कानून के विरोध में थे, ये चीज कनेक्ट करिए। तो इसका मतलब क्या था, जो लोग शाहीन बाग पे बैठे थे वो सिविल सोसाइटी मूवमेंट था, सिविल सोसाइटी था। अब आए बात समझ, इसीलिए मैंने कहा आपने इसलिए भी सोचा ऐसा, बोले अभिषेक सर सोच रहे हैं सिविल सोसाइटी से आंसर देंगे, प्रेशर ग्रुप निकालेंगे इसका आंसर। चलो ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए मैं इसका दायरा बना दे रहा हूँ, इसका ये अंतिम दायरा बना लेते हैं, ये समझना अच्छी अवधारणा है। देखिए ये रख लीजिए और एक बड़ा बनाइए, ठीक है। इसको स्पीसीज कहते हैं, इसको जेनस कहते हैं। जिसे नहीं पता स्पीसीज और जेनस क्या होते हैं, सीधी बात समझिए, ये जो होता है इसका भाई कैसे हो सकता है, ये संकीर्ण होता है, ठीक है, और ये संकीर्ण नहीं होता। संकीर्ण का अपोजिट क्या होता है, क्या बिष्टी? अरे चलो भैया ये लिख दो, ठीक है। लो भाई संकीर्ण का बताइए कृष्णपाल क्या होता होगा, संकीर्ण का उल्टा हिंदी बता दीजिए, मतलब क्या कैसे लिखते हैं, मुझे सब्जी की सुनाई दे रहा है यहाँ तक, बामे छोटी आदर्शा में बड़ी नाम है। हाँ यही वर्ड था, कितने बोला विस्तृत, आप सही बोलो, मैं तभी तो कहूँ आप लोग कौन सा वर्ड बोल रहे हैं। हाँ भैया आप लोग सब पुलिस भर्ती पेपर देके आए, गीदड़ का गीदड़ आए, तिकलवार के आए हैं, बहुत तेज है, इधर आ जाइए। ये संकीर्ण है यानी नैरो अप्रोच है, ये वाइडर अप्रोच, समझिएगा ध्यान से। तो अब यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ, पीजी मतलब प्रेशर ग्रुप, ठीक है, ये सिविल सोसाइटी। अब अश्विन आपके लिए चौंकाने वाली चीज, सिविल सोसाइटी का ही भाग एनजीओ है, सिविल सोसाइटी के अंदर सोशल ऑडिट आता है, सिविल सोसाइटी के अंदर प्रेशर ग्रुप आता है, सिविल सोसाइटी के अंदर एसएचजी आता है, इसी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है, इसी के अंदर सरकार के अन्य तंत्र आते हैं, एवं कोई भी ऐसा संगठन जो समाज के अंदर आंदोलन ला रहा है वो सब इसी के अंदर आते हैं। तो सिविल सोसाइटी का जो व्यापक है, बड़ा पैमाना है, सिविल सोसाइटी क्लास है और प्रेशर ग्रुप स्टूडेंट है। अब सारे स्टूडेंट जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सिविल सोसाइटी बन जाते हैं। अब आप समझे, तो किसान आंदोलन भी क्या था, सिविल सोसाइटी मूवमेंट, ऐसे कई मूवमेंट हुए। अब हम सीधे राइटर की परिभाषा में चलते हैं जिन्होंने इसके बारे में कुछ कहा है। हाँ दो राइटर है। अब इसके विकास की बात करने से पहले, अब आप जान चुके हैं सिविल सोसाइटी के बारे में, एक चीज और लिख लीजिए, स्वैच्छिक समुदाय, रुक जाइए, इसे लिखने से पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि क्या सिविल सोसाइटी नहीं होती है, ये चीज देख लीजिए। सतनाम इसको पढ़िए हिंदी में मन में, सरकारी तथा व्यवसायिक संगठनों से अलग नागरिक समाज ऐसे सामाजिक संगठन है जो स्वेच्छा से आते हैं, कोई लेके नहीं आता है, आप लोग अपनी मर्जी से वॉलंटियरली आगे आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं, जैसे गैर सरकारी संगठन, उपभोक्ता संगठन, पर्यावरण समूह तथा सामाजिक उद्देश्य निर्मित सहकारी संगठन इसके उदाहरण है। लेकिन क्या चीज सिविल सोसाइटी यानी कि नागरिक समाज का हिस्सा नहीं है, ये पढ़ लो। क्या न्यायपालिका मानोगे सिविल सोसाइटी का? नहीं सर, नहीं मानेंगे, उसका तो काम ही है जजमेंट देना, ठीक है। क्या हो गया, बातचीत क्यों चल रही, क्या बात है? बेटा इधर देख लो, बाद में इंस्टाग्राम पर उन्हें लाइक कर लेना, देखो इधर आ जाओ, ठीक है बेटा। ध्यान देखो, प्रश्न इस पे बनता है कि कौन सी संस्थाएं नागरिक समाज नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती, प्रेशर ग्रुप होते हैं, होते हैं सर, मिलिट्री संगठन नहीं होते, न्यायिक बॉडीज, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि क्या है, ये पूछेगा क्या नहीं। पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी नागरिक समाज नहीं हो सकते। उसके अलावा प्राइवेट संस्थाएं जो है ये तो कभी भी नहीं हो सकती नागरिक समाज। उसके अलावा न्यायपालिका जो है वो कभी भी नागरिक समाज नहीं हो सकती। क्यों? ऐसा कोई अधिकार जिसकी ये वर्णन करते हैं, ये इनका काम है, ना कि समाज में आकर के खुद से स्वेच्छा से कोई संगठन है, ये तो संवैधानिक। चलो अब आगे राइटर की डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं, ताकि और आसानी से इंटरेस्ट के साथ इसमें आगे बढ़े, ठीक है। जिसको बनाना है ये डायग्राम बना सकते हैं आप। सोसाइटी में कुछ हित होते हैं, जब एक जैसे हित के लोग ज्वाइन कर लेते हैं सिविल सोसाइटी कहलाता है, इसलिए ताकि अपने अधिकारी को अधिकारों को बचाए। ये डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बनाइए बनाइए। शिक्षा मित्र संगठन वो आपको बिल्कुल ठीक है, वो प्रेशर ग्रुप में नहीं आएंगे, सिविल सोसाइटी में आएंगे।
क्योंकि सरकार की कानून बनाने के बाद अगर कानून बन जाए समस्या खत्म। लिखो बेटा, समाज के अंदर कुछ हित होते हैं, जब सामान्य हित वाले लोग सामने एक साथ आ जाएं, उसी को सिविल सोसाइटी कहते हैं, उसी को सिविल सोसाइटी कहते हैं। आज तक जितने भी आंदोलन हुए, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो अन्ना हजारे का मूवमेंट जो था, उसके अंदर क्या हिंदू मुसलमान मूवमेंट था? नहीं, सब चाहते भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, तो सब लोग एक अस्थायी समय के लिए एक साथ आए, रामलीला मैदान में आए दिल्ली के अंदर, और जब उस आंदोलन में 2012 में कानून पारित हो गया, आज की डेट में वो क्या हो गए? वापस चले गए। तो वो दबाव समूह नहीं है, दबाव समूह हमेशा रहते हैं, आज भी है। वकीलों का संगठन, फोटोकॉपी संगठन, डॉक्टरों का संगठन, महिलाओं से पुरुषों को बचाओ ऐसे संगठन, सर बजरंग दल की बात कर रहे हैं। लिखो अभी और बताते हैं, अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा, और चलिए आपको मोदी जी की नीतियों से मिलवाते हैं, मोदी जी का फोटो दिखाते हैं, बहुत देर हो गई। अब इंटरेस्टिंग चीजों पे आते हैं। परिभाषा क्लियर हुई? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? नागरिक समाज और ये सब। चलो भाई आप बताओ, अपने बारे में, आपके गांव के ठाकुरों ने एक साथ मिलकर संगठन बना लिया, आप सरकार से मांग कर रहे हैं ठाकुर पेंशन लागू करो, पैसे करो क्या सिविल सोसाइटी? क्यों नहीं? यही तो बात है, ये आएगा प्रेशर ग्रुप, क्योंकि सरकार के किसी कानून को चैलेंज ही नहीं कर रहे, किसी चीज को चैलेंज ही नहीं कर रहे, खुद से स्वेच्छा से अपने निजी हित की मांग कर रहे हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जो थीम का कवर लिखा उसमें क्या लिखा था? निजी हित, निजी हित, निजी हित। ये दो तीन मानक है, इनको तय कर लो वरना उलझ जाओ, है ना। अश्मित गए, अश्मित ने एनडी वाले स्टूडेंट से कहा सरकार पेपर कराती है, इस प्रणाली को बदलेंगे, आओ साथ में संगठन बनाते हैं, सरकार से मांग करते हैं, प्रेशर ग्रुप। और अगर सरकार ने एनडीए पे कानून बदल दिया, अब सारे एनडीए के वंचित छात्र इकट्ठे हो गए सिविल सोसाइटी, और वो क्या करेंगे? सिविल सोसाइटी मूवमेंट आंदोलन, सबसे बड़े इसके संरक्षक और सबसे बड़े विचारक, सबसे बड़े व्यक्ति पता है कौन है? कोई बता सकता है? सिविल सोसाइटी का भारत में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने सिविल सोसाइटी आंदोलनों की लाइन लगा दी और पूरे भारत को एक कर दिया। अगर बता दो तो मान लो। अरे वाह, किसने बोला? जुनैद, क्लैप बजाओ भाई जुनैद, इतनी जल्दी आंसर। अच्छा तस्लीम ने बोला, अरे तो तस्लीम बता, तस्लीम का अर्थ क्या होता है? असला नहीं, हाँ सत्य बोलने वाला, सत्य एक्सेप्ट करना। तो पिछले साल कितने रिश्तों में नाम का गलत मिसयूज है, देखा? हर तस्लीम नाम का व्यक्ति जिसका नाम सत्य बोलने वाला हो वो सत्य नहीं बोलता। चलो ठीक, चलो आ जाओ, ध्यान देना। अब मैंने आपको एक उदाहरण दिया, गांधी जी से बड़ा सिविल सोसाइटी का व्यक्ति कोई नहीं था, क्योंकि गांधी क्या कहते थे? अगर ये मुसलमान है, मैं इससे मुसलमान में मुस्लिम लीग में जाके जुड़ जाऊंगा तो मुझे फायदा लंबे समय का दिख रहा है, कल को मेरे सिविल सोसाइटी मूवमेंट में मुसलमानी संगठन सपोर्ट कर देगा। वो कभी प्रेशर ग्रुप का हिस्सा रहे नहीं, इसलिए गांधी जी कभी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हुए हो तो बता दो, गांधी जी कहीं से चुनाव लड़े हो तो बता दो। 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता करी बेलगांव सेशन से, कर्नाटक बेंगलुरु से। क्यों करी? क्योंकि कांग्रेस के पास में कोई नहीं था, बोले सबको इकट्ठा करना है। आप सुन लो, 1907 के बाद इससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं था, लेकिन गांधी जानता था दबाव समूह निजी हित के लिए होते हैं, पर सिविल सोसाइटी आंदोलन पूरे जन समाज के लिए होते हैं। इसलिए गांधी जी ने सिविल मूवमेंट को वरीयता दी, ना कि किसी दबाव समूह का हिस्सा बनके। वो चाहते तो खुद वकील बनके समाज में प्रेशर डाल सकते थे, लेकिन उससे क्या होता है? सिर्फ वकील समुदाय साथ आता, लेकिन उन्हें क्या चाहिए था? सबका साथ सबका विकास। मोदी जी आए 2014 में, गांधी जी को पढ़ा और किताबों को पढ़ा, पीके मिश्रा की नियुक्ति करी जो उनके प्रधान सचिव है, बोले तुम तो आईएएस हो, बोले हाँ, बोले वरिष्ठ आईएएस हो, बोले हाँ, बोले तो जो तुमने आईएएस के अपने फील्ड के दौरान एक्सपीरियंस लिया वो मुझे सुनाओ, मुझे क्या करना चाहिए? बोले मोदी जी आपको भी वही करना चाहिए जो गांधी जी ने करा। बोले मैं भी एक गाल में थप्पड़ खा के दूसरे की मांग करूं? बोले नहीं मोदी जी, वो तो जनता आज की डेट में ऐसी है कि कोई व्यक्ति रोड में भी कह दे मुझे मांग नहीं तो मैं कूद के ही जाए, समझ गए? बोले सबसे बड़ी बात यह है, आपको दो तीन लोगों को जोड़ना पड़ेगा, दबाव समूह, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, सारे संगठन। तो मोदी जी बोले कैसे जोड़ूंगा? बोले मैंने ताली और थाली तो बजवा ली, अब क्या बजवाऊं? बोले आप समझते नहीं है, आप पहले जनता से जुड़ने के लिए जस्ट पिछली क्लास का एक मॉडल इस्तेमाल कीजिए। मोदी जी बोले कौन सा मॉडल? बोले आप इस्तेमाल करिए G2C मॉडल। ये क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल। तो मोदी जी ने क्या शुरू कर दिया? मन की बात। अब वो नागरिक से सीधे जुड़ रहे हैं, समझना बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, मोदी जी नागरिक से सीधे जुड़ रहे हैं। पूजा ने 8 बजे चैनल खोला, बोले अरे क्लास भी होती है, मोदी जी के मन की बात पहले सुनूंगी, क्लास नहीं जाऊंगी। ठीक, तो पूजा जो है उसके बाद में मोदी जी की मन की बात सुन रही, इसे कहते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल। सुनना आगे की बात, मोदी जी बोले जल्दी जाओ से सी, उसके बाद मोदी जी बोले कि भैया मन की बात में आनंद नहीं आ रहा, सुनना ध्यान से। फिर मोदी जी के साथ में गए उनके पीके मिश्रा जी, और पीके मिश्रा जी उनसे बोले
चलो कोई बात, आगे बढ़ो। पीके मिश्रा जी उनसे बोले, सुनिए भारत के अंदर गवर्नेंस का मॉडल ये कहता है जनता से सीधे जुड़ जाओ, वरना जनता तुम्हारा विरोध करेगी, और जब जनता को तुम सीधे जोड़ लोगे तो विरोध जो है वो दबाने में आसानी होगी। कैसे? मैं वकीलों के लिए ही काला कानून लाना चाहता हूँ, तीन कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लेकिन पहले मुझे वकीलों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, अगर वो जुड़े होंगे तो वो डायरेक्ट समाज में जाके हड़ताल नहीं करेंगे, पहले एक बार मुझसे बात करना उचित समझेंगे। अगर मैं वाल्मीकि समुदाय को जोड़ लूंगा तो ऐसे लोग पहले मुझसे बात करेंगे, मेरे कानूनों से बाद में सहमत होंगे। तो मोदी जी ने इस वजह से गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल चलाया और ये गवर्नेंस के अंदर भाग था, मोदी जी जुड़ गए। लेकिन अब भी एक समस्या और आ रही थी कि मोदी जी गवर्नमेंस के हर पहलू को भारत में देख रहे थे। तो भाई सलाह आई कि मोदी जी अगर आप चाहते हो सच में कुछ करना तो आप ये योजना निकालो और ये नारा देना शुरू पढ़ो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। आपके सामने गवर्नेंस का जिंदा जीता जागता मॉडल है जिसे मोदी जी के वर्तमान समझ रहे हैं प्रधान सचिव समझ सकते हैं, लेकिन ये बच्चा डेसिपर नहीं कर सकता, ये वही डेसिपर कर सकता है, डिपोर्ट कर सकता है जो या तो गवर्नेंस पढ़ा हुआ हो या जो मोदी जी के काम करने की शैली को देख रहा हो। कोई भी बड़ा टीचर इसको कर देगा, बड़ी अकेडमी में यही सब होता है कि वो बताते हैं। अब आप कहेंगे सर सबका साथ मतलब समाज के वंचित वर्गों के साथ की बात हुई थी, वो तुम्हें दिखाने के लिए हुई। वंचित अगर कोई वर्ग होगा, जॉन रॉल्स ने एक बड़ी बढ़िया बात कही है जो मैं आपको बता भी चुका हूँ क्लास में, कि आरक्षण का सीधा मतलब ये था कि एक जंजीर है, जंजीर की एक भी शाखा अगर कमजोर होगी तो जंजीर वहीं से टूट जाएगी। इसलिए हमने आरक्षण बनाया कि हम कमजोर जंजीर के भाग को मजबूत कर देंगे ताकि जंजीर कहीं से टूटेगी नहीं, कहीं से भी खींच लो। इसी अवधारणा को मोदी जी ने पकड़ लिया। मोदी जी बोले अगर वंचित वर्ग मेरे साथ आ गया तो वंचित वर्ग मुझ पर दबाव डालेगा ही नहीं। सोचो तुम अगर ऐसा कोई वर्ग जो एससी एसटी के लिए अधिकार की मांग कर रहा है, हमें ये दो ये दो ये दो, मैंने कह दिया सबका साथ और वो मेरे साथ आ गए, मन की बात डेली सुन रहे हैं, मेरे से डायरेक्टली जुड़े हैं, ट्वीट मुझे कर रहे हैं, मेल मुझे कर रहे हैं, पोल मुझे कर रहे हैं, राशन पे मेरा नाम छपा है, दीवार पे मेरा नाम छपा है, तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और अब नया आ गया सबका प्रयास। देख लो तुम पिछले 3 साल के अंदर महिलाओं की भागीदारी इतनी ज्यादा जोड़ दी गई है, स्वयं सहायता समूह पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, माइक्रो फाइनेंसिंग पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, महिलाएं हर जगह चमक रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर क्यों चमक रही है, अब सबका प्रयास जोड़ दिया। और वो दिन दूर नहीं जब एक और लिख देंगे सबका आत्मविश्वास है, जब नौकरियां आ जाएंगी और खूब युवा नौकरी पर लग के सरकार की नौकरी प्रणाली से खुश हो जाएगा तो लिख देंगे अब हमें प्राप्त हुआ सबका आत्मविश्वास। ये है विजन, समझ रहा है गवर्नमेंट को। तो बेटा सबका साथ मतलब सिविल सोसाइटी, सबका विकास मतलब हम चेक करेंगे, अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा जीएसएस संस्था के बारे में। सुना जीएसएस? सुना किसी ने? सोशल ऑडिट मनरेगा के तहत सुना है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए भाई अब आगे हम देखते हैं कि इसका विकास कब हुआ और कौन से ऐसे महान लोग आए, तो लिख लीजिए। अगर मैं बात करूं नागरिक समाज की बेटा तो इसका विकास आधुनिक युग में हुआ, लिखिए इसके विकास के बारे में और आपको डिटेल देता हूं, मजा आ जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है लिखिए। सर प्राचीन का क्या, मध्यकालीन भारत का क्या? तो बेटा प्राचीन भारत के अंदर नागरिक समाज के जैसा कुछ नहीं होता था, समाज के कुछ आयाम होते थे सर, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक, आपको माइक सर ने पढ़ाया होगा वैदिक और उत्तर वैदिक, पढ़ाया कि नहीं? आज तक आपने प्राचीन भारत में ये पढ़ा है कि राजा स्वयं अपने आप निकला, सभा और समिति में गया और एक अलग वर्ग बैठा था जिससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, नहीं सीधे राजा कहता था उठवा के गर्म कढ़ाई भुगवा दो, ज्यादा बोल रहा है तो समझ गए, पहले राजा प्रजा को कोई अधिकार देता नहीं था। जिस समाज के अंदर अधिकार ही नहीं होते थे वहां नागरिक अधिकार या नागरिक समाज का अधिकार। अरे शब्द हिंदी समझो भाई, इसमें क्या मतलब, अब आप घंटे कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं, कपिल शर्मा कहे तो खुश हो लेते, हम कहे तो उदास है ना, जागो के राग जागो है ना। हाँ बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन, मतलब आपने आज पहले प्रश्न का उत्तर दिया, पूछा आज विश्वपाल ने सीधे नहीं पूछा, वो सॉरी आज धर्मेंद्र सीधे पूछे, सीधे नहीं पूछा कि सर 12 में से 8 गए तो 25 कैसे बचे, आज सीधे उन्होंने बताया।
है ना, बार बार मिसपाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिले हो गए मिसपाल, मेरा ध्यान जा रहा बेचारे टॉपिक में सुनो। कोई बात नहीं सर, वो कवर कर लेते हैं, वो दौड़ो बंद। हाँ इधर समझ आया सबको? अभी नकारात्मक प्रभाव पे बात करते हैं। पहले लिख लो, आधुनिक युग में तुम्हें लग रहा था हॉब्स, जॉन लॉके और रूसो भगवान। क्यों? क्योंकि ये आए और बोले बड़े अच्छे से, सुनो नागरिक, बोले क्या ये लोग ऐसे ही विचारक बने? बस पता कैसे बने? नुक्कड़ पे जाते थे, तीन लोग मसाला खा रहे होते थे। अब वो मसाला जुबा किसी ने नहीं होता था, वो इनका मसाला होता था, ऐनी छैनी इनकी अपनी बनाई हुई रोटी होगी, ऐसा जरूर होता होगा क्योंकि भारतीय समाज में मिल बैठेंगे चार यार कहावत ऐसी नहीं आई। तो जॉन लॉके रूसो गए मोहल्ले पे और ऐसे ही ग्रुप खड़ा हुआ, उस ग्रुप से पूछा होगा, अरे सुनो तुम्हें नहीं लगता कि राजा का उधर 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 सब जगह से मामला चल रहा है? मतलब मामला मतलब आप समझ रहे हैं कि राजा प्रजा पे अटैक करने का प्रयास कर रहा है, असली अलग मामला समझ रहे हैं। तो प्रजा ने कहा हाँ हमारा राजा विलासिता में इतना मुक्त रहता है कि इसे चिंता ही नहीं है। बोले हमारे संग परसों जो जस्टिन है, जस्टिन उसकी माँ बीमार नहीं मर गई, राजा क्या करते बात? बोले ये कोई तरीका होता? बोले राजा एक बार ये नहीं अंत्येष्टि करवाते, 13 दिन का मौन व्रत रखते, कुछ आते प्रजा के लिए कुछ भाषण देते, तो जॉन लॉके और रूसो पता क्या करते? समाज में जाके राजतंत्र व्यवस्था के खिलाफ और राजा के खिलाफ सिर्फ भड़काने का काम करा कुछ नहीं करा। और भड़काते भड़काते जो प्रजा के ऊपर एक्सपेरिमेंट, जैसे तुमने किसी से कह दिया कि एक धागे के अंदर 10 का नोट बांध दो, जैसे कोई आदमी आएगा नोट खींच लेना इसका रिएक्शन देखेंगे, तो तुमने एक्सपेरिमेंट करा? ऐसे ही कुछ नहीं करते थे, बहुत शरारती लड़के थे मोहल्ले के और आज बेचारा बने बैठे, ये कुछ नहीं करते थे, लोगों में जाते थे एक्सपेरिमेंट करते थे और इन्होंने लोगों को भड़काना शुरू करा। राज्य जो है बोले अगर सरकार है तो किसके लिए? तो लोग बोले किसके लिए? बोले हमारे लिए। अब इनने अंग्रेजी का होगा फॉर हूम, इनने कहा फॉर आवर सेल्फ, तो बोले अच्छा। और उनने कहा तुम समझ रही राजा हमारा कतई ना सुन ले, तो बोले अरे तो राजा क्या सुन ले? बोले राजा दिन भर विलासिता करे, लड़ लड़ जाए और राजा साथ नहीं कि राजा लड़ लड़ जाओ, सही जो भी कहा क्या चलो जाओ जल्दी सस्सी मेला बनाए रखा है घुमारा सब जाओ। बोतल ले ले चले आ रहा है कतई मार है नहीं जेडी सही जगह बोतल लेके जाए आवास विकास के ठीक है। चलो आप समझना, तो बेटा ऐसे ही समझो ये हॉब्स लॉकी रूसो जो थे कुछ नहीं थे, तुम इन्हें मानते हो भगवान, मुझे भैया इनकी आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छी कौटिल्य की आइडियोलॉजी लगती है। और भी आइडियोलॉजी मौर्य साम्राज्य के अंदर एक ऐसा सेनापति था जिसने कह दिया हमला करने से पहले ये नीति अपनाओ, लेकिन इतिहास की किताबों में प्रजा का नाम नहीं आता। सुनना ये हुआ क्या कि हॉब्स लॉके रूसो जो थे ये गए, इन्होंने प्रजा को ज्ञात कराया कि राजा जो है वो शहर चलाता है और तुम क्या करते हो? बोले हम क्या करते हैं? बोले तुम राजा को चलाओ। बोले ऐसा हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है, कल सब लोग 9:15 बजे इकट्ठे होंगे और भांग धतूरा खाने के बाद राजा के खिलाफ हरे झंडे दिखाएंगे, लाल झंडे दिखाएंगे। अब कुछ तो चचा आ गए जो पुराने थे, जिनने सोचा मृत्यु दंड से अच्छा है कि लड़के मरो, है ना, तो भैया लड़के मरेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्हें दिखाया कि सभ्य समाज हम मनाएंगे, लेकिन समाज में विद्रोह की स्थिति कर दी और इन्हें बड़े जनक के रूप में माना जाता है, कहा जाता है इन्होंने क्रांति कर दी। लेकिन बेटा ये क्रांति कितनी महत्वपूर्ण है ये आप समझिएगा। तो बोला जाता है कि आधुनिक युग में धीरे धीरे सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट प्रारंभ होना शुरू हो गया। किनने करा? तीन बेचारक थे हॉब्स लॉके रूसो। और सुनो ये एक ही जगह नहीं घुसे, अब ये खाली थे तो बैंक चले गए, बोले पैसा कौन निकालना? बोले राजा। किसके लिए निकालना? बोले राजा के लिए। और बोले तुम? बोले हमारी मौसी बीमार रही, हमका पैसा निकालने से रोक दी। बोले अरे तुमका रोक दी तो इसका मतलब अब तुम विरोध कर लो, माइक्रो फाइनेंसिंग विरोध हो गया। ये कुछ नहीं करते थे बेचारा, यही काम करते थे, बुद्धि लगाओ सीसीटीवी लगा दी, तुम्हें पता नहीं। आज मैं तुमसे कह दूं सुनो नई प्रणाली, अपने लिए फिजिकल मैगजीन की डिमांड करो, अब तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी, पूरा ग्रुप पहुंच गया, आज से ये नियम बन गया फिजिकल मैगजीन मिलनी चाहिए, प्रतिमा लो हो गए, हम भी अभी से खुश हो गए बात। तो भैया ये बेचारा कुछ नहीं करते थे, ये बेचारा यही करते थे, इसके अलावा कोई बेचारा का नहीं था। लेकिन भारतीय समाज के अंदर भारतीय समाज की आइडियोलॉजी इस पे नहीं काम करती थी। गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी लोगों के पास जाते थे और एक बात कहते थे, तुम्हारी इच्छा हो तो आ जाओ, नहीं इच्छा हो तो किसी तरीके का दान दे दो, धन से दान दे दो, अपने साथ में अपना बेटा है इसे दान दे दो। इसलिए नहीं बेटे को नौकर बना लिया, इसीलिए कि स्वतंत्रता आंदोलनों में अपने साथ रह के भागीदारी कराए। तो हमारे यहाँ जो सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट है उसमें एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है बेटा, कभी मत भूलना वो वर्ड है स्वैच्छिक। क्या वर्ड आता है? स्वैच्छिक। अब जरा एक बार पढ़िए इसको, आपको समझ आ जाएगा रूसो लॉके और जॉन ने क्या कहा था। पढ़ो पढ़ो क्या हटाने? फोन। अरे बेटा फोन हटा लेंगे तो पता नहीं क्या हट जाएगा। चलो, राज्य की सीमा से बाहर रहता है, पहली बात तो ये नागरिक समूह राज्य की सीमाओं में नहीं आता, इसका गठन राज्य नहीं करता, ये सरकारी नहीं होता,
जब राज्य के दायरे में आ जाएगा तो फिर तुम लोगों पे आदेश नहीं आ जाएगा, तो तुम नागरिक समूह जो बनाते हो वो सरकारी नहीं हो सकता कभी। कैसा होगा? गैर सरकारी, सरकार से भिन्न। सुनो, ऐसा समुदाय जो नागरिक स्वतंत्रताओं, अधिकारों व कल्याण की व्यवस्था करता है, यह तब आगे आते हैं, सिर्फ थोड़े समय के लिए आगे आए, परमानेंट आगे नहीं आते। जब राज्य अपनी भूमिका में विफल हो जाता है, निरंकुशता लग जाती है, राजा कहते हमसे ना होई, तो वो कहते आओ हम करवाई ले। तो उसके बाद सिविल सोसाइटी राज्य की निरंकुशता का विरोध करती है, और ये विरोध करना यानी सर जब राज्य निरंकुश हो जाए, विफल हो जाए, कल्याण में फेल हो जाए, स्वतंत्रताओं में फेल हो जाए, तब राज्य को सचेत करने आते हैं और वापस चले। मैं तो कहता हूँ कि इनको चूहा थ्योरी अलग कर देना चाहिए। जैसे चूहा इतना समझदार होता है कि मालिक की पीठ दिख रही है, अब मालिक का मतलब यही तुम्हारे घर का खा रहा है तो तुम्हारा नौकरी हो गया, कपड़े भी खा ले रहा, तो तुमको देखेगा और चुपचाप भाग जाएगा। ऐसे ही सिविल सोसाइटी होती है, जब आवश्यकता पड़ेगी चूहे की तरह बिल से बाहर निकाल के देखा तो मैं सचेत कर दिया कि घर के कपड़े छुपा लो वरना काट देंगे। अब तुमने अपने वस्त्र छुपा लिए, उसके बाद चूहा वापस चला गया। इससे ज्यादा सिविल सोसाइटी कुछ नहीं करती। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कंसेप्ट नहीं होता, इसमें वकीलों का, नर्सों का, डॉक्टरों का कंसेप्ट नहीं होता। ये किसी भी चीज के विरोध में आ सकते हैं, सरकार के और किसी भी वर्ग से आ सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं, परंतु ये अस्थायी समय के लिए होता है। अब आई बात समझ। उस सिविल सोसाइटी मूवमेंट पर बात करेंगे, उससे पहले एक आध राइटर को पढ़ ले, लुई जो आपके जॉन लॉक के रूसो थे, इनको तो अब आप भूलोगे नहीं, कैसे इन्होंने नियम बनाए, कितने बड़े विचारक थे। चलो बड़े आगे, अब ये पकड़ो भैया, ये लो सिविल सोसाइटी मूवमेंट, इन्हें पहचान रहे हो? हाँ, इन्हें पहचान रहे हो? इन्हें तो पहचान ही रहे होगे। आदरणीय अन्ना हजारे बोले लोगों के बीच में, देखो करप्शन से तुम सब परेशान हो आज भी हो। अब तुम्हारे सबके मन में चल रहा है कि यार हमारा काम 9 का 100 में हो रहा है, हमें दुख तो होगा ही होगा, यानी हमारा काम शून्य बैलेंस में होना चाहिए, हमें 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो तुम सबकी भावनाएं आए पहले से ही। ऐसे मरना जाए बोले, जिन जिनको भ्रष्टाचार से दिक्कत है, हम रात्रि 8 बजे इतने इतने बजे 11 तारीख को इतने इतने तारीख को इस माह में यहाँ बैठ रहे हैं, सबके सब जनता के समर्थन में आ गए, इतना समर्थन में आ गए, हमारे दादा और नानी दोनों चले, समझे, हमारे दादा भी इसमें गए थे, हमारी नानी भी इसमें, कुछ नहीं करा, 2 दिन झाड़ू लगाई, 2 दिन लोगों से मिले, बोले हाँ कुछ नहीं हो रहा, अपनी भाषा में कुछ और भी बोला था उन्होंने, फिर वो वापस आए, ठीक है। लेकिन खैर आगे अभी आपको लेके चलता हूँ, ये आंदोलन क्यों था? ये आंदोलन था सरकार के भ्रष्टाचार से दुखी थे, और सरकार के भ्रष्टाचार से दुखी होने की वजह से समाज को हिदायत देने के लिए ये सिविल सोसाइटी आगे हुई। मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, सिविल से कंफ्यूज मत होना, आदर्श समाज की भूमिका की बात नहीं हो रही, कि आप सिविल से आदर्श समझो कि हीरो समाज, भगत सिंह समाज, सदगुरु समाज, ये नहीं हो रहा, वो सिविल सोसाइटी नहीं, वो आइडियल सोसाइटी होती है, वो अलग। चलो सर और बताइए, और आंदोलन बताइए सर। लो बेटा लो, अब तुमने ये भी ना पढ़ा हो तो फिर लानत है बड़े एग्जाम पे भी तुम्हें। बेटा मुझे इसमें वृक्ष लगाने पड़े, मैंने बरेली बोला चिपको आंदोलन, बच्चे कह रहे ऐसे आंदोलन हमारे टाइम पे भी होने चाहिए, मैंने कहा वृक्ष चिपको आंदोलन दुष्टो, है ना। एक तो बच्चे कुछ और अर्थ निकाल लेते, पांडी राखी का बच्चे पढ़ रहे थे पाखंडी, हिराकोट का सिरपेटा, और रक्षा सूत्र का सूत्र पढ़ रहे थे खाली, समझ गए। तो बच्चे जो है वो कुछ भी अर्थ निकाल लेते हैं, क्योंकि इसीलिए तो वो बच्चे होते हैं, अगर वो बड़े ही हो जाए तो उन्हें ना मिले तो हो जाते हैं। पढ़िए वही बात, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, क्यों? क्योंकि सरकार का आदेश आया नीम सागौन सब उड़ा दो, बोले ऐसे कैसे उड़ा दो, ये तो इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ काट देंगे, ये तो हमारे पेड़ को छीन लेंगे, तो सरकारी आदेश के विरोध में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पूरे गांव के लोग आ गए, बोले आज से हम शुरू कर रहे हैं सिविल सोसाइटी मूवमेंट, आज से रहेगा हमारा भैया नागरिक समाज आंदोलन, और सब पेड़ों के पास में जाकर के पेड़ से स्टक हो, और इसके बाद में कहा कि पेड़ काटने से पहले हमें काटो, तो भैया कोई कहता इस तरफ से काट लो, दूसरी महिला उधर चिपक जाती है, इस तरीके से जो है वो आपने पढ़ा हुआ है ना, ये वृक्षों की बात हो रही, ठीक है। कुछ महिलाएं वहां पर अच्छे से साड़ी पहन के ये भी बताने आई थी, कर रहे हो सब सही से? हाँ करे रहना, जन आंदोलन सर, इसमें पुरुष नहीं दिख रहे बेटा, होंगे वो अलग पेड़ों को चिपके होंगे, ये सोसाइटी बड़ा सभ्य है, इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं कि सब एक साथ आ जाएंगे इस पर आकर। चलो चलिए भाई, और आपको बता दे इसे उत्तराखंड का आंदोलन मत कहना, तब उत्तर प्रदेश का ही भाग था, उत्तराखंड का जन्म सबको पता है ना कब हुआ, 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश को काट के, यानी उससे काट के 13 जिलों का उत्तराखंड बना दिया, क्यों बना दिया, प्रशासनिक कार्यक्षमता के बढ़ोतरी के लिए। अब जो भी कार्यक्षमता कह लो, लेकिन पहाड़ी रीजन सब ले गए, कम से कम एक का पहाड़ हमारी तरफ भी दे देते,
और जो हमारी तरफ के पहाड़ है वो पहाड़ कम है, ऊंची पुलिया ज्यादा लगती है। सर पीलीभीत में भी पहाड़ है सर, आओ तो कभी नाली निर्माण में सहयोग दे सर। हाँ भाई, तो और आगे ये लो और आंदोलन। सर ये क्यों हुआ? क्या किसान अपनी मर्जी से रोड पे बैठ गए? कानून, सरकारी सारे संगठन बाहर आए। सरकारी संगठन का मतलब सरकार के विरोध में, सरकारी नहीं है एक भी सरकारी नहीं, सरकार के विरोध में संगठन बाहर आए और बोले या तो सुधर जाओ, अभी तो हम सिर्फ अस्थाई समय के लिए आए हैं, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। सरकार ने क्या करा? तो बेटा सरकार ने ये करा, 5 जून 2020 को मोदी सरकार ने 3 कृषि बिल अध्यादेश लाए थे, उसके बाद 17 सितंबर को लोकसभा में पास हुए, राज्यसभा में पारित हुए, राष्ट्रपति द्वारा मोहर लग गई। किसानों को डर हुआ कि इन कानूनों के जरिए कुछ चुनिंदा फसलों पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का नियम खत्म हो सकता है। इसी में स्वामीनाथन फॉर्मूला की मांग हुई थी, यानी कोई फसल 10 रुपए की है तो उस पर किसान को मिलना चाहिए 5 रुपए के आसपास, 51% तक का वापसी। इसके बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे, सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई, सिविल सोसाइटी में आपस में आदान प्रदान हुआ, लेकिन मामला थमा रहा। उसके अलावा दिसंबर 2020 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसने जनवरी 2021 में तीनों कृषि कानून को स्थगित कर दिया था, स्टे लगाया था। रद्द करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली नहीं है, वो जियो यानी एक ऑर्डर पास करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर प्रीसीडेंट, और वो कहता है तो सरकार रद्द करती है। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को पलट देता है तो रद्द करने का भी अलग से जो ऑर्डिनेंस निकालेगी वो सरकार ही निकालेगी। सरकार का काम विधायिका में विधि बनाना, विधि वापस लेना, सुप्रीम कोर्ट का काम व्याख्या करना। चलो तो इसकी वजह से आप क्या समझे? आप मुझे बता दो कि नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, हरियाणा इन जगहों के किसान अभी भी बैठे हो, क्यों नहीं बैठे? क्योंकि सर मामला सॉर्टेड हो गया, इसे सिविल सोसाइटी के सर प्रेशर ग्रुप वो भी खत्म हो गए नहीं, टिकैत लिखा हुआ गाड़ी के पीछे भी जाता हुआ दिखता है, संगठन जिंदा है। क्यों? दबाव समूह स्थायी होता है, दबाव समूह हमेशा रहता है, वह अपनी मांगे रखता रहता है, लेकिन सिविल सोसाइटी तभी होती है जब सरकार कोई ऐसा विधेयक ले आए, ऐसा कानून हो जाए जिससे आम जनता के ऊपर कोई दबाव पड़ जाए, आम जनता के कानूनों के द्वारा हनन हो जाए, आम जनता के हितों पर एक प्रहार हो जाए। ये बात आई समझ में या नहीं? अब आई है तो चलो आगे बढ़ो। अभी और इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, ये लो नाम लिखो भैया, एलेक्सिस डी टॉकविले का सिद्धांत। बड़ा जबरदस्त आदमी, इसने वही बात कही जो बात मैंने आपको शुरू में पढ़ाई थी। 3 राइटर की बात करेंगे और ये तो पाप होगा जब तक मैं हेगल की बात ना करूं। हेगल का नाम सुना है? अभी पढ़ेंगे। हेगल गए बाहर नौकरी करने, बाहर निकाल दिया नौकरी में, बोले अब मैं किताब लिखूंगा और लोगों को भड़काऊंगा, बनकर बेचारा। जिसने लोगों को भड़काया वो बेचारा, माइक सर और हम जैसे बेचारा ऐसा अनुमान लगाए जाते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं, हम बेचारा नहीं, हम प्रेशर ग्रुप। लिखो बेटा इसका नाम है, मैं जूम कर दे रहा हूं बेटा, ये फ्रेंच आदमी था, ये अमेरिका में नौकरी के लिए गया, तो इसे अमेरिका के अंदर जो लोकतंत्र में दिखा, इसने किताब लिख दी और किताबों के नाम पीसीएस को बड़ा पसंद है। वो किताबों के नाम पूछ लेगा कि भैया एनी मीडिया किसने लिखी, ज्यूरिसप्रूडेंसिया बता दो भैया, किसने दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन थ्योरी, किस राइटर ने कौन सी किताब लिख दी, ये उसे बड़ा शौक है क्योंकि वो सारी किताबें खुद पढ़ नहीं पाता, लेकिन आशा करता है कि आप पढ़ के एक सफल कर्मचारी बने। और कर्मचारी बनने के बाद एक शब्दावली आती है, नौकरशाही ब्यूरोक्रेट, क्या बात। मम्मी बोली नौकर रख ले, मैंने कहा हाँ शाही होना चाहिए, नौकरशाही। हाँ भाई मुझे आपको समझ आ रहा है, ये सब तार्किक चीजें हैं, जॉन रूसो है ना, कहूं तो रूसो ये सब आए। अरे बेटा तो सुबह सुबह अपने आप नहाते, आज प्रकृति को कुछ देना, प्रकृति ज्ञान देना, ऐसे ज्ञान नहीं आ रहा। चलो भाई, एसएससी बीच में बाधा उत्पन्न हो जा रही है, बीच में ध्यान भटक जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो भाई बाधाएं उत्पन्न होने, आदान प्रदान चल रहा है, क्लास से भटकाव तंत्र भेजे जा रहे हैं कि सोशल सिविल समाज को असभ्य बना दो, परंतु हमें अटिक रहना है, समझ रहे, और इस पद पर टिक लगाना नहीं, ठीक है। लड़कियां कह रही हैं सर ऐसे कोई भी अवरोध हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा समाज में जो है उतना ही दबाव है जितना प्रेशर ग्रुप का होता है, स्थायी तौर पर हमारी प्राथमिकता हमेशा है ना। और लड़कियों का चालान कभी नहीं कटता। कल मैं बरेली जा रहा था तो मैंने एक चीज और नोटिस करी एक रोड पर, कि एक लड़का पूरा सब कुछ एकदम जूते से लेके हेलमेट से लेके बढ़िया फॉर्मल कपड़ों में सब कुछ पहन के वहाँ आराम से तैयार, पुलिस वालों ने उसका हेलमेट पे चालान काट दिया, हेलमेट लगा था तब भी कोटा है। एक लड़की के पास कुछ भी नहीं था लेकिन मुस्कुराहट थी, हाँ देखा बेटा, ये महिलाओं द्वारा ही टिप्पणी करी गई,
महिला ही महिला समाज की घातक शत्रु है, ये आज सिद्ध हो गया। तो बेटा वह जो महिला थी वह बिना हेलमेट के पूरा शहर बरेली घुमाए, और वो बेचारा लड़का हेलमेट लगा के भी पापा फोन कर, मैं नहीं लगाऊंगी चालान कटी रहा जाओ, क्या लगाऊ मैं सिर्फ दो हेलमेट लो पर। देखा, इससे पता चलता है पुरुष भी पुरुष समाज का शत्रु है, उस व्यक्ति की कमी निकालने ही करें पुरुष वाला प्रश्न। अच्छा हेलमेट लगा हुआ था, चलो भाई अब सुनो टॉक बेल का सिद्धांत सुनो। जिन्हें हिंदी में टॉक बेल नहीं लिख मिल रहा है वो अंग्रेजी लिख लें, और जिन्हें अंग्रेजी में भी नहीं लिख मिल रहा है दोनों भाषाओं में वो पहले एक से पांच में एडमिशन लें, अभी निःशुल्क चल रहा है, ठीक है। अक्षर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो भैया टॉक बेल कौन था, पैदा फ्रेंच में हुआ, काम अमरीका में करा, किताब 1835 में लिखी, नाम था डेमोक्रेसी इन अमेरिका, और उसमें सीधी बात कर दी जो मैं तुम्हें इतनी देर से बता रहा हूँ कि भैया सिविल सोसाइटी क्या है, ये रहा राज्य और नागरिक के बीच के संबंध बनाती है। सर क्या, इसे नाम दिया गया मध्यवर्ती स्वैच्छिक सहचारी। यही एमसीक्यू में सीधे आ जाएगा कि भैया किस राइटर ने बोला है मध्यवर्ती स्वैच्छिक सहचारी, तो तुम्हें टॉक वेल का नाम याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। उसी ने ये बात बोली, उसी ने बात, उसने क्या बोला, बोले सरकार का कानून सरकार बनाए, मैं नागरिक हूं मुझे लेना देना नहीं, लेकिन मैं बीच में तब कूदूंगा जब कानून नागरिक के खिलाफ होगा, जब मेरे सामान्य हितों पे प्रहार होगा तब मैं कूद जाऊंगा अस्थायी समय के लिए, और तब मैं कहलाऊंगा सिविल सोसाइटी। इसीलिए मध्यवर्ती काल, कानून सरकार बनाती है, सरकार की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है, सरकार को राज्य भी कहते हैं। राज्य क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा उस जमाने में इन लोगों के पास और कोई नाम था ही नहीं, थोड़ी कंफ्यूजन पैदा करके चले गए। 28 राज्यों को भी राज्य कहते हैं, सरकारी तंत्र को भी, वही तरीका, ऐसे गुटका रगड़ते हुए जॉन लॉके और बताओ राज्य कैसा है, बोले अरे बाउंड्री, अब उनके पास शक्ति नहीं, बोले चलो राज्य मतलब सरकार भी, समझ गए। तो राजा को धोखे से राज्य कहने की सजा हम लोग दे रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है ना। चलो तो बेटा सुनो, इसे बोलते हैं सिविल सोसाइटी को मध्यवर्ती स्वैच्छिक सहचारी। सर क्यों क्यों क्यों, क्योंकि सर राज्य का काम है, राज्य का काम है कानून बनाना, किसके लिए, नागरिक के लिए। जब नागरिक के लिए बढ़िया कानून नहीं बना तो राज्य और नागरिक के बीच में नई इकाई का जन्म हो जाता है जिसे कहते हैं सिविल सोसाइटी। ये फ्रंट फुट पे आएंगी वापस चली जाएगी, फिर फ्रंट फुट पे आएंगी फिर वापस चली जाएंगी, इनकी प्रक्रिया होती है आना और जाना लगा रहता है, इसीलिए आंदोलन करेंगे फिर वापस हो जाएंगे। टिकैत साहब के आया, सिविल सोसाइटी मूवमेंट चला, वापस हो गए। सिविल सोसाइटी मूवमेंट और भी भारत में देखने को मिल रहे हैं, कैसे, छात्र लोग एक साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि छात्र का कोई संगठन नहीं है जो सरकार पे आज की डेट में दबाव डाल दे। एक और कमी है प्रेशर ग्रुप में, प्रेशर ग्रुप सरकार पर दबाव डालने में सक्षम नहीं है आज की डेट में, क्यों, इसमें उनका निजी स्वार्थ आ जाता है। तो छात्र किसका सहारा ले रहे हैं, खुद को सिविल सोसाइटी बता के सिविल सोसाइटी आंदोलन कर रहे हैं, और जाकर के योगी जी के घर के बाहर बैठ जाते हैं, पुलिस भर्ती का पेपर करा 6 महीने में। अब मानो या ना मानो, कितने भी डंडे चला के भगा दिए हूं, लेकिन पेपर तो करा दिया ना, कहीं ना कहीं दबाव तो, क्योंकि चुनाव था। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषा से मैं सहमत हूं, तो बेटा इसकी परिभाषा की ये बात साहब लाइव पढ़ लीजिए। राज्य सुरक्षा करता है नागरिक की, पर जब राज्य विफल हो जाए तब भूमिका याद दिलाने हेतु राज्य को उसके कर्तव्य की जो कहलाता है वह कौन सा समाज कहलाता है, नागरिक समाज। सर समझ गए, एग्जांपल देखो, राज्य किसान बिल, किसान परेशान, फेल हो गया कानून, दबाव डाला वापस ले लिया, बाद में पूरे जितने भी लोग बैठे थे समाज वापस चला गया। अब समझिए आगे, ट्रक ट्रक चालक खुश थे, सरकार कानून लाई, सरकार ने कानून की वजह से क्या हुआ है, परेशान और हैप्पी बर्थडे चक्का जाम भाई, और क्या करो, ये सिविल सोसाइटी मूवमेंट है, प्रेशर ग्रुप थोड़ी ना, इनकी यूनियन फेल, क्योंकि इनकी यूनियन यूपी की अलग है, एमपी की अलग है, बिहार की अलग है, यूनियन में चलता है कि उत्तर प्रदेश के लिए शुल्क कम कर दिया जाए, उसमें एमपी वाले क्यों कूदेंगे, लेकिन जब पूरे भारत की बात होगी तब एमपी यूपी क्या बिहार क्या हर जगह सब जगह की कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता पूरे भारत में लागू होती है, तो भारत के सारे ड्राइवर या एमपी का फोटो, यूपी वाले अलग, आपने देखा होगा उस दिन ना मैजिक मिल रही होगी, ना रोडवेज मिल रही होगी, ना वो मिल पा रही होगी, हाँ कहाँ हो तुम, मैं तो बरेली, तुम पीलीभीत नहीं मिल पाएंगे क्योंकि चक्का जाम होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते, ठीक, तो टक्कर मारकर भागे, ये वाहनों पर है, वाहन आप नहीं कि रोडवेज में चढ़े और धक्का दे दिया किसी व्यक्ति को वो गिर गया, ये वो नहीं है। अगर वाहन किसी छोटे वाहन को या बड़े वाहन को कोलाइड कर गया, टक्कर मार के भागे, तो 10 साल की सजा, हिट एंड रन मामले, समझ गए, ये आपने सुना होगा,
ये सारे मूवमेंट जो है बेटा ये सिविल सोसाइटी मूवमेंट के अंतर्गत आते हैं। चलो अब आगे आ जाते हैं और ये चीज नोट कर लीजिए ताकि आप समझ पाए। समाज के तीन मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं। अब लिख लो, थोड़ा सा लिखने का बस ये इतना ही। सर सिविल सोसाइटी के कितने प्रकार होते हैं? तीन। सिविल सोसाइटी के घटक कितने होते हैं? तीन। सिविल सोसाइटी में कितने भागीदारी होते हैं? तीन। सिविल सोसाइटी किन पर प्रहार करती है? तीन। सिविल सोसाइटी किन्हें सामने जाते देती है? एक। लो सिविल सोसाइटी जो है वो किन्हें रोक देती? चलिए कोई नहीं बेटा, देखो जोक्स क्लास में इसलिए होते हैं ताकि आपकी अटेंशन ना हो। कोई बड़े बड़े टीचर ले लो, अभिषेक सर, माइक सर, सब लोग जोक करते हैं क्लास, ठीक है? तो बेटा ये जोक इसलिए होते हैं ताकि आप जो है किसी भी तरीके से क्लास के अंदर कंफ्यूज ना हो और आपकी जो फोकस है वो वापस आ जाए। अब देखो मैं कोई बहुत कलाकारी आर्ट तो कर नहीं सकता, ना मैं कोई ऐसा कृत्य कर रहा हूँ जिसमें फोकस हो के आप देखें, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपका फोकस कभी नहीं हटता, परंतु उनका समय भिन्न है। परंतु अभी हम ऐसे भिन्न समय पर है, विषम समय पर है, जहाँ आपका समय मुझे लाने के लिए फोकस करना पड़ेगा। जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, बड़ा छोटी बड़ी, देखिए आप देखिए। लेकिन ये तीन मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं। चलिए लिखो बेटा, तीन होते हैं। पहला लिखो, अब आप कहोगे सरकार और राजनीतिक समाज क्या है? तो जो सरकार और सरकार के कर्मचारी एवं सरकार के कर्मचारियों का सहयोग करने वाले एवं सरकारी तंत्र का भाग होते हैं वो सब राजनीतिक समाज होते हैं। और राजनीतिक समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक समाज जो है हमें उस पर प्रेशर डलवाना है। अभी देखो और अगला लिखिए, अभी तो बुजुर्ग समाज भी आएगा, बुजुर्ग समाज, सुना सुना होगा। अगला लिखिए, बाजार आर्थिक समाज व्यापारियों से बना होता है। व्यापारी पैसा दो पैसा लो, जब बाजार पे कोई आर्थिक नीति सरकार की गलत आती है तो पूरा व्यापार बंद कर देंगे, ऐसे संगठन सामने आ जाते हैं। उसके अलावा आता है सिविल सोसाइटी, इसमें हम और आप आते हैं, विद्यार्थियों के संगठन आते हैं, नेचुरल सोसाइटी, प्राकृतिक, पशु बचाने वाले भी संगठन, क्योंकि बेटा ये सब इसका भाग है और ये सब अलग अलग रूप में प्रेशर ग्रुप के रूप में भी जाने जाते हैं, परंतु ये सब इसका भाग है, ठीक है? हाँ आप रेगुलर नहीं, वास्तव में देखिए सबसे बड़ी बात यह कि इस योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये कि आपके घर तक हमें जाकर के आपको कहना पड़ रहा है कि आप कंटेंट पढ़िए। तो आप समझिए ये बात ठीक है, अगर मेरी खुद की कोचिंग भी होती तो मैं भी आपको 5 दिन का अल्टीमेटम देके ये कहता कि भैया आप और आए तो रेगुलर आए और साथ में सुनिए। आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्र विशेष में कोई अच्छा महत्वपूर्ण बच्चा है, कोई आपके ऐसे कोई फ्रेंड है जो पढ़ाई करना चाहते हैं और सिंसियर है, तो आप उनको भी यहाँ ला सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आग्रह कर लूंगा, लेकिन बच्चा सिंसियर हो, ये नहीं आज आए 3 दिन नहीं आए फिर कंगारू जंप ले ली, तो ये चीज कह रही, ठीक है? कुछ बातें जो वास्तव में तर्क के साथ सहमत है वो ठीक है आपके भले के लिए, बाकी कोई भी बच्चा इस चीज के ऑफेंड ना हो, ऐसा आपने विभिन्न संस्थाओं में हुआ होगा, ठीक है? पूजा आप भी आएंगी रेगुलर? चलिए क्या हो गया था आपके पैर लास्ट टाइम, दिक्कत हुई थी? अभी भी है, चलो दिखवा लो, अगर कोई दिक्कत लगे तो एक एप्लीकेशन फ्रेम कर सकते हैं, आपको लंबी छुट्टी हो, आप कुछ भी ना सही उसको दे दीजिएगा, मैं प्रदान करा दूंगा, ठीक है? अगर ऐसा कुछ हो, चलो भैया जाओ लिखो। तीन तरीके के मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं, लिख लिए कि नहीं? लिख लिए। चलो भैया आ जाते हैं अगले राइटर पे, इसे भी छोड़ो, ठीक है? ये याद रखिएगा, इसे इंक्लूसिव अम्ब्रेला कहा जाता है, सिविल सोसाइटी को सारे संगठन इसके अधीन आते हैं, ये किसी के अधीन नहीं आता, ठीक है? समावेशी छतरी, इंक्लूसिव अम्ब्रेला। अब छतरी को छतरी था, वरना छाते को लेकर इतना भयानक संस्कृत वर्ड था कि अगर मैं लिख लेता तो अभी 20 बार विजय कर रहा हूँ। बिल्कुल निजी स्वार्थ है, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जो है वो स्टेक होल्डर भी है, प्रेशर ग्रुप भी, संगठन भी है, गवर्नमेंट भी है, और अगर वो कोई काम करते हैं तो समाज में कुछ नागरिकों के लिए इस व्यवसाय में उसमें ऐसे लोग मिलकर समय सोचा वो एक ही हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरे भारत के लोग हर कोने से आके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है? अब अगर ऐसा कोई बड़ा छात्र, आप सोचिए आपके लिए कहा जाए कि छात्रों के लिए सरकार 30,000 पेंशन निकाल दे जो बेरोजगार है, या जब तक ग्रेजुएशन करेंगे 30,000 महीना, जैसे SRF JRF होता है, तो आप अभी लेते रहे 3 साल, 3 साल के बाद सरकार बंद कर दे, तो जितने पूरे भारत के छात्र हैं वो तो ऐसा आंदोलन कर देंगे कि मांग करेंगे अब 30 नहीं 3 साल का ब्याज भी दो और पैसा मिला के दो। तो बेटा ये सिविल सोसाइटी मूवमेंट हो जाएगा जिसमें सरकार के कोई कानून से वादा या उत्पन्न अवरोध इस तरीके से प्रभावित करता है। पेंशन वाला
हाँ वो भी आप पढ़ सकते हो, पीएससी सिस्टम, बिल्कुल आपने, वेरी गुड, ये एग्जांपल है। अब आपके दिमाग की ब्रॉड थिंकिंग को मैं मान लिया, ठीक, चलो भाई अब अगले का नाम लिख लो। उससे पहले एनजीओ पढ़ ले, नहीं एनजीओ पे आने से पहले एक राइटर के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर आपको एनजीओ बताता हूं। लिखो भैया लिखो, हीगल का सिद्धांत और लिख लो, बाकी सिद्धांत आप लिखो या ना लिखो, हीगल का जरूर लिख लो। ये जर्मनी का एक विचारक था, और कहते हैं कि हीगल जब रात में सोता था तो ये स्वप्न देखता था, ये जर्मनी के एकीकरण का बहुत बड़ा समर्थन करता था, है ना, जर्मनी के एकीकरण, और साथ ही आदर्श बात देखता था कि समाज के अंदर सब अच्छे हो, हर कोई अपना काम करे, राजतंत्र इतना अच्छे से काम करे कि जो जनता है उसे राज्य को टोकना भी ना पड़े, ऐसा आदर्श समाज बनाए, छात्र इतने अच्छे से पढ़े कि किसी को आके कहना ना पड़े, अटेंडेंस मेंटेन, है ना, समझ आ रहा है हमारे छात्र क्योंकि बेटा इतनी देर से मैं अस्मित को समझा रहा हूँ कि निजी स्वार्थ प्रेशर ग्रुप में होता है, ये आए और रातों रात सपन देख के सुबह इन्हें बुलाया, बोले इधर आओ, ये कौन है, बोले राजा, बोले अच्छा राजा का फायदा होता है और तुम्हारा क्या होता है, बोले मेरा कोई फायदा नहीं, बोले जब तुम्हारा फायदा नहीं तो तुम कर क्या रहे हो, बोले हाँ ये तो बात सही है, मेरा कोई निजी फायदा ही नहीं। तो समझना बात को, जरूरतों की व्यवस्था बोला है, निजी फायदे के लिए बोला है, इसमें बोला है कि स्वहित होता है, स्वार्थ होता है, क्या बात कही हैगल, सीधे सीधे धज्जियां उड़ा रहा है तुम्हारी, कोई सिविल सोसाइटी नहीं होती, खाली एक मैंने सेब के ऊपर कपड़ा डालने से कोहिनूर नहीं हो जाता, तुम तब से पढ़ा पड़े हो कि भैया सिविल सोसाइटी उसमें भी निजी स्वार्थ होते हैं, तो हैगल की परिभाषा को कई क्रिटिसिज्म भी मिले क्योंकि इसने निजी फायदे की बात कर दी थी, जो इतनी देर से अस्मित जानना चाह रहा है कि निजी फायदा तो किसानों का भी था, कोई मतलब में कपड़ा डाल के प्रेशर ग्रुप को सिविल सोसाइटी कह रहे हो, लेकिन ये सिर्फ इसी विचारक ने कहा, इसके अलावा किसी विचारक ने स्वस्वार्थ एवं निजी हित की बात। हाँ बिल्कुल, आपका जो उत्तर सोचने का तरीका आप उसे जस्टिफाई करके आएंगे, इसी बात के लिए यूपीएससी नंबर दे दी, बस बुराई मत करना सरकार को, हाँ तो लाभ बैलेंस, सरकारें तो अच्छी हैं, जनता ध्यान नहीं दे रही सरकार पे, नहीं जनता प्रेशर डाल रही, जनता तो अच्छी है पर प्रेशर डालने के सही तरीके नहीं, तरीके तो सही है लेकिन लोग क्रियान्वयन करते हैं, क्रियान्वयन तो सही है लेकिन क्वेश्चन ही गलत, आओ लिखो, ठीक है। तो भैया गमगीन माहौल ना बनाओ, अभी एनजीओ पे बस यात्रा कर रहे हैं, इसको देख लो, पहले इतना सिविल सोसाइटी पढ़ा दिया वो इसीलिए ताकि तुम लोग आंदोलनों से एक बहुत गहरा रिश्ता रखते हो, है ना, और आंदोलनों से, ठीक है, आंदोलनों कह दिया था मैंने, तो आप जितने आंदोलनों से, अरे आज कल मैंने ये वर्ड नहीं पढ़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जितने आंदोलन है उनसे गहरा रिश्ता रखते हैं, और हीगल के सिद्धांत में आपके जितने आंदोलन हुए हैं वो सिविल सोसाइटी मूवमेंट देखने में लगते होंगे, लेकिन उसमें आपका स्वहित और स्वस्वार्थ था कि नहीं, चरण को मत मारो, चलो ठीक, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखिए तो भैया हीगल की सोच को समझिएगा, हीगल की सोच क्यों थी उसके पीछे कारण भी दिया है, असल में जिस काल में हीगल जिस समय जर्मनी के अंदर था वो उदारवाद का काल था, उसके बाद मानववाद आया, मानववाद में सभी कहने लगे कि अधिकारों की बात, तो उसी बीच में क्या हुआ, यूएसएसआर जो है वो अपनी साम्यवादी विचारधारा को अमेरिका की तरफ लेके चल रहा था, जब आपको पता होगा सीटो साटो नाटो का गठन हुआ था, वारसो पैक्ट का गठन हुआ था, तो उस समय इस विचारधारा से बचाने के लिए हीगल सामने आए, हीगल ने एक और बात कही, वो ये कही कि लॉके रूसो, ये सब कंफ्यूजन कर गए सोसाइटी को, मैं सही हूं, मैं हीगल इतने बड़े विचारक हो गए, बोले लॉके और रूसो सब गलत थे, मैं सही हूं, तो हीगल के लिए कहा जाता है कि हीगल जो था वो किसी के तार्किक विचारों को नहीं मानता था, इतना खतरनाक था, जैसे इसके आज में हाथ असली उदारवाद, बताओ भाई कोई बच्चा उदाहरण दे उदारवाद का, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो आपने अपेक्षित है आपसे उदारवाद, सुनिए फिर मैं बताता हूँ आपको मानववाद, ठीक है, हाँ और कोई बच्चा उदारवाद क्या होता है बताओ, क्या लगता है कृष्णपाल बताइए जो आपने पढ़ा है, लेकिन इसको ब्रैकेट में समाजवादी अवधारणा, सेम सोशलिस्ट को ही उदारवाद कहते हैं, यानी सोशलिस्ट अवधारणा जो होती है वही उदारवाद है, सीधी बात है, मेन फोकस केंद्र करके समाज पर रखा जाता है, इसमें समाज को बलिता एवं जैसा इन्होंने कहा समाज के प्रति उदार हृदय से, ये संपत्ति किसकी है, मैं तो देख रहा हूं मालिक लोग हैं,
ये लड़की किसकी है? पापा की। हर चीज में एग्जाम्पल नहीं बैठता है, ध्यान दो इधर सोते हुए लोग, आओ देखो इधर, समझ गए उदारवाद? आ जाओ। चलो भैया, ये उदारवाद के बारे में मैंने लिख दिया है, इसीलिए मैंने लिखा साम्यवाद का। इसमें आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, टेंशन की कोई बात नहीं, भूमंडलीकरण हो गया था। सिविल सोसाइटी के अंदर अंतिम चीज पढ़ लीजिए जो है ग्रामशी की विधि, ग्रामशी की सुपर स्ट्रक्चर, ये पढ़ लो मजा आ जाएगा। अच्छा, कभी आपने सोचा है सिविल सोसाइटी आपको बनने से रोक कौन सकता है, कौन रोक सकता है, कौन रोक सकता है ना? बिल्कुल सही, लेकिन सिर्फ सरकार नहीं रोकती, उसमें दो लोग आपके लिए बाधा डाल सकते हैं नागरिक समाज बनने से। पहले का नाम लिखिए, पहले का नाम लिखिए, स्वयं नागरिक समाज बाधा डालेगा, दूसरा राजनीतिक समाज बाधा डालेगा। मतलब परिवार, एजी लड़ने मत जाओ, अद्धा खोपड़ी पे पड़ गया तो तुम्हारे अलावा है ही कौन भैया? माँ बाप, अबे क्यों जा रहा है लड़ने, तू ही अकेला सही भगत सिंह बन जाएगा, तू मत, तू बैठ आंदोलन में, तू क्यों बोल रहा सबसे ज्यादा, तू बैठ पीछे, वो खुद बोलेगी, वो खुद बोलेगा। बेटा ये सब बातें समझिए, इसी को ग्रामशी ने कहा था, ये रहा एंटोनियो ग्रामशी। इसने कहा कि जो समाज या नागरिक समाज है वो कितनी जटिल कॉम्प्लिकेशंस है कि उसमें बाहर आने के लिए, अपने हितों को लाने के लिए अवरोध पैदा करने की चीज दो चीज है। एक तुम्हारा राजनीतिक समाज है, कैसे? सरकार कहेगी हम है तो हमें बताओ, और अगर तुम नेताजी के पास पहुंच गए, नेताजी का निजी स्वार्थ जुड़ने के बाद वो राजनीतिक स्वार्थ में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा तुम्हें कौन रोकता है? नागरिक समाज। कैसे? स्कूल सभ्य समाज बने, आदर्शवादी बने, पालन करें, ऐसे चपटे बाल काढ़े तेल लगा के, गीला गीला, जो पराठों में भी हो और बालों में भी उतनी मात्रा में हो। तो बेटा स्कूल के अंदर भी आपको रोका जाता है, विश्वविद्यालय में भी आपको रोका जाता है, पीर ग्रुप होते हैं, पीर ग्रुप का मतलब आप समझते हैं मित्र मंडली, ये मित्र मंडली आपको रोकती है। तो बेटा कभी कभार नागरिक समाज जो है वो क्यों नहीं जल्दी मूवमेंट कर पाता है? क्योंकि उसे रोकने के लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल। साहित्य और मीडिया भी रोकती है, कैसे? एक साहित्य किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि सिविल आंदोलन कराए भी जा सकते हैं, रोके भी जा सकते हैं। तो बेटा आदरणीय मोदी जी को पता है, स्कूल के बच्चे, परिवार की औरतें, धार्मिक संस्थाएं, हर किसी को अगर अपने कब्जे में ले लूंगा तो सिविल सोसाइटी मूवमेंट को रोक दूंगा। मुबारक हो, मोदी जी इस काम में सक्षम है। आज की डेट में मोदी जी ने क्या कह रखा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कौन कह रहा विश्वास? तो समझ गए। तो मोदी जी का आप स्ट्रक्चर देखिए कि उन्होंने कभी जीवन में स्कूल में ग्रामसी की विधि नहीं पढ़ी, लेकिन ग्रामसी के सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर ले गए। बोले अगर मैं नागरिक समाज को ही कंट्रोल ले गया तो मेरे खिलाफ सिविल सोसाइटी मूवमेंट होगी नहीं, मैं किताब वो पढ़वाऊंगा जिससे आंदोलन नहीं, मोदी जी की नैतिकता की बात होगी। मैं इन लोगों को मीडिया पर वो दिखाऊंगा कि मोदी जी एक गरीब महिला को रोटी खिला रहे हैं। मैं इन्हें विश्वविद्यालय के अंदर ऐसी योजनाएं दे दूंगा जिससे टैबलेट और मोबाइल के अंदर मोदी जी चमकेंगे। मैं इनके घर परिवार में राशन की थैली पहुंचा दूंगा जिसमें मोदी जी चमकेंगे। मैं वैक्सीन लगवा दूंगा, मोदी जी चमकेंगे। मैं शादी करवा दूंगा सामूहिक कल्याण से, उनके घर पर जो संदूक रखा होगा मोदी जी चमकेंगे। और सब कुछ नहीं होगा, मैं तलाक करवाऊंगा तो न्यायालय में भी आ रहा होगा सबका साथ सबका विकास, अनुच्छेद 13 में संशोधन कराया जाता है। बेटा समझ रहे हो सरकार क्या गजब गजब मैनिपुलेटर होती है। और अगर तुमने नागरिक समाज होते हुए सरकार की बात नहीं मानी तब भी आंदोलन करा तो बगल में मैं पुलिस, सेना, न्यायपालिका और कारावास की व्यवस्था करके बैठा हूँ। हल्के से कहूंगा पहले बाटर डालो, उसी बाटर में मिलावट करके डालो। बेटा समझो, इसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, ग्रामशी ने दिया था, इसे अति संरचना कहते हैं, सिविल सोसाइटी। चलो बस इसको लिख लिया हो। और बेटा ये ध्यान रखिएगा, एक शब्द आएगा, इसे कहते हैं बुर्जुआ समाज। ये बुर्जुआ समाज का मतलब होता है मध्यम वर्ग से ऊपर के लोग जिनके पास धन संचित होता है, यानी कि आप कह सकते हो धनाढ्य एवं सनाढ्य ऐसा वर्ग जिनके पास धन बहुत होता है। आज की डेट में ये क्या करते हैं? ये सरकार को भी कंट्रोल करते हैं और ये सिविल सोसाइटी मूवमेंट खुद कराते हैं। कैसे? मैं बहुत बड़ा भारत में एक कंपनी चलाता हूं, मैंने 50,000 कर्मचारियों को रात में निकलवा दिया, लो सिविल मूवमेंट शुरू हो गया। क्यों? अब वो किससे मांग कर रहे हैं? सरकार से। क्या नौकरियों के लिए कानून नहीं है? नौकरियां तो प्राइवेट की ये हाल है, सरकार का दबाव बना दिया था। इसीलिए आप समझिए जो बुजुर्गों समाज है, ठीक है, हाँ, जैसे वो भी अभी उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। और किसका एग्जांपल दिया है तो इस पर जाने, लेकिन पूनम पांडे बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उनका अपना एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आप लोग ना जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। पूनम पांडे सेलिब्रिटी होते नाते उन्होंने कैंसर के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के लिए एक दिन ट्विटर पर एक फेक जानकारी साझा करी कि उनकी टीम ने, कि पूनम पांडे जी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो कोई बात नहीं, सब लोगों के चरण ने तुरंत ट्वीट करा, मुझे खेद जो है वो इस पर दुख व्यक्त करता हूँ कि आदरणीय
आदरणीय समाज सुधारक जो है पूनम पांडे ने ही नहीं, पूनम पांडे जी की महान जो है कलाकृतियों को मैंने अत्यधिक रूप से सराहा है एवं उनके निजी वीआईपी सब्सक्रिप्शन के लाभ प्राप्त किए, ठीक है। इस कारण से पूनम पांडे जी के दुख पर शोध एवं रोध अवरोध प्रकट करते हुए जो चरण थे उन्होंने ये बात कही। बाद में पूनम पांडे बोली ढप्पी और पीछे से निकल आई, बोली मैं तो जिंदा थी कैंसर कैंसर खेल लेती हूँ, तो बेटा वो सिविल सोसाइटी आंदोलन करानी चाहिए, तो ये समझिएगा इसका। हाँ अभी जा एलाइट, हाँ बिल्कुल आप ठीक है, अभी जाते पर यही होता है। इधर कुछ बच्चे जो सदमे में वीरपाल समझ रहे हो, आओ गांव के अंदर कुछ लोग कहें हम सरकार के कानून का विरोध कर रहे हैं, रोक मत लेना, जाने देना, नागरिक समाज है और नागरिक समाज ऐसा है कि कुछ पूछो मत। चलो अब एनजीओ की बात कर लें, बहुत देर से तुम एनजीओ का इंतजार कर रहे हो, तो भैया आओ एनजीओ की बात करें, फिर दूसरे टॉपिक पर आएंगे। एनजीओ बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, लिखो गैर सरकारी संगठन, आ जाओ गैर सरकारी संगठन। अरे मैंने एनजीओ बोला भैया, और सुनिएगा सुनिए सुनिए, सिविल सोसाइटी के अंदर प्रेशर ग्रुप भी आता है, एनजीओ भी आता है, ये ध्यान रखना। सर क्या होता है एनजीओ, लिखो गैर सरकारी संगठन होता है जो राज्य सरकार के कार्य, जब राज्य सरकार अपने कार्यों में विफल हो जाती है या अपने कार्य करती रहती है लेकिन उसकी गति इतनी नहीं होती, तब गैर सरकारी संगठन उन सरकारी कार्यों को करता है। सर कुछ पैसे लेता होगा? नहीं बेटा, सरकार भी तुम्हारे लिए गैर लाभकारी है और गैर सरकारी संगठन भी गैर लाभकारी है। इसका मतलब सर दादी के पैर दबाए, दादी ने दुआएं दी, यही होता है गैर लाभकारी। जिस चीज को करने का तुम्हें धन संचित करने की दिमाग के अंदर आशय ना हो उसे गैर लाभकारी कहते हैं। सर मैंने पला उठाया और 300 रुपए मिल गए, बेटा मजदूरी कराया आज तुम 350 रुपए। सर आपको कैसे पता? बेटा सास भी कभी बहुत है ना, तो अगर चल अपने मोहल्ले बच्चों को समझा रहे होते हैं गलत फूल चुने हो तो पहले सफेद फूल देना चाहिए, बच्चे बोले तुम्हें बड़ा पता, बोले बेटा सास है ना। चल इससे आप जोड़ना चाह रहे चरण को देख के पूरे गांव के जानवर सचेत, बोले अब कुछ ऐसा होगा जिससे गीला उठेगा, इससे पहले भाग जाओ। ये एप्पल की कॉपी है ना, बढ़िया नहीं असली एप्पल होगा, असली एप्पल वाले इस योजना में आ रहे हैं, आज सरकार से शिकायत करनी पड़ेगी। चलो कोई एलआईआर ही होगा, अभी जाते हो। चलो देखो बेटा सुनो, एनजीओ क्या होती है, एनजीओ क्या होती है तो सुन लो वापस से, मैं आपको बता दूं कि सरकार आपके लिए बहुत सारे कार्य करती है, समझिएगा ये टॉपिक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ये है सरकार, सरकार भी कार्य करती है परंतु उस कार्य में बहुत ज्यादा विफलताएं भी देखने को मिलती हैं एवं उन कामों की जो गति होती है वो बड़ी सुस्त होती है, लेकिन वे जो कार्य होते हैं सरकार के वे गैर लाभकारी होते हैं, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं। एनजीओ भी ऐसा ही होता है, ये कोई पैसा नहीं कमाता किसी से, और ये सरकारी कार्य जैसे कार्यों को भी भूमिका अदाता है एवं कुछ निजी कार्य भी करता है, और साथ ही ये कभी भी प्रॉफिट के लिए नहीं करता, इसे कहते हैं गैर सरकारी संगठन। ये किसका भाग है? ये सिविल सोसाइटी का भाग है। ना तो ये सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं, ना तो ये सरकार से कह रहे हैं सुधर जाओ, ये कह रहे हैं मैं हूं मैं कर लूंगा, तुम्हारे बस की नहीं है, मुझे पता है, मैं अपनी अलग संस्था चला के बच्चों को यूपीएससी 3 कोर्स एक बार बोर्ड के साथ पढ़ा लूं, मतलब ऐसा कुछ, ठीक सर। फिर से एक बार सर, ये है सरकार, सरकार कानून बनाती है, कानून या तो चल जाएगा या नहीं चलेगा, एनजीओ कहती है तुमसे ना हो पाएगा, हम कर लेंगे। उदाहरण दे, इतने सारे कानून हैं, बाल श्रम निषेध कानून, चाइल्ड लेबर, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, अत्याचार निवारक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, इसके अलावा इतने एक्ट है, सिविल लिबर्टीज एक्ट है, तब भी सरकार ने महिलाओं के देह व्यापार पर रोक नहीं लगा पाई। एनजीओ बोला तुम्हारे बस की नहीं है, तुम कानून बनाते हो, ऐसे एनजीओ आए और एनजीओ उतरे जिन्होंने बाल श्रम के कई बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुक्त कराया, जिसने कई महिलाओं को देह व्यापार से मुक्त कराया। क्यों? क्योंकि सरकार हर जगह नहीं है लेकिन हम आप हर जगह हैं,
तो कोई भी सिविल सोसाइटी बन सकता है। अब ऐसे में ये काम चलता रहे तो एनजीओ के लिए अनिवार्य होता है कि ऐसे संगठन अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं सरकार के पास। क्यों? ऐसे तो मैं भी कह दूं मैं भी एनजीओ का हिस्सा हूं, एक महिला से कह दूं मेरे साथ चल मैं परिवर्तन एनजीओ का हिस्सा हूं, मैं लेके खुद उसका देह व्यापार करवाऊं फिर। तो ऐसे में लोगों के पास एक पर्टिकुलर आईडी होती है। बस याद रखिएगा ये सरकार की सहायता के लिए तो बने होते हैं लेकिन सरकार का भाग नहीं होते, ये सरकार के उन कानूनों की पूर्ति करते हैं जो कि सरकार भी गैर लाभकारी तरीके से कर रही थी परंतु जिनमें सरकार की त्वरित गति नहीं है, बहुत सुस्त है लेकिन ये गति के साथ काम करते हैं। ऐसी एक संस्था का नाम है कैलाश सत्यार्थी जी का। आइए आगे बढ़ो, ठीक है, आइए आगे बढ़ो, ठीक है। एक बार इस ढांचे को पढ़ लीजिए, गैर लाभकारी कार्य हेतु गैर सरकारी संगठन कार्य सरकार जैसे गैर सरकारी कार्य, क्योंकि सरकार के औपचारिक क्षेत्र से बाहर होती है ये चीज नोट कर लीजिए। कैलाश सत्यार्थी जी की संस्था है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। इससे बड़ा शायरी को एनजीओ और कैलाश सत्यार्थी जी के जो बारे में लोग नहीं जानते, जो लोग राजेंद्र सिंह मेधा पटेकर के बारे में नहीं जानते, बेटा कृपया करके बंडे एग्जाम की भी तैयारी छोड़ दो, ये सब बंडे एग्जाम की भी गॉड जनपुरुष जननायक ये सब आपको जानने पड़ेंगे। सर राजेंद्र सिंह कौन है? बेटा फ्री बांध बनाएंगे, बांध बनाना किसका काम है? सरकार का, पानी रोकने का, लेकिन सरकार विफल, हम बनाएंगे बांध, हम बनाएंगे बांध। सर एक और कुछ मुद्दा हो रहा था जिसमें एनजीओ के बारे में, ठीक है, एनजीओ को ही रद्द कर दी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से 4-5 साल पहले का मुद्दा है। बट चलिए भाई आगे बढ़े, पहले ये चीज देख ली। सर कैलाश सत्यार्थी कितनी फीस लेते हैं? सर बेटा 0000 सर। क्यों? क्योंकि बेटा ये एनजीओ चला रहा है। सरकार का काम क्या होता है? बच्चों का बचपन बचाना, लेकिन सरकार अपने कामों में विफल है, सरकार सुस्त है, सरकार के पास कानून है लेकिन कानून की पालन अनुपालन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये आगे आए और बोले आज से मैं काम करूंगा बिना किसी लाभ के, गैर लाभकारी। लेकिन सरकार बोली कर तो रहे हो, एक काम करो एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन भी एक्ट होता है एनजीओ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। मुबारक हो, ये बन गए बचपन बचाओ संस्था के संस्थापक। बात आई समझ में? क्या नाम है? कैलाश सत्यार्थी, फोटो देखना गजब आदमी है। उसके अलावा दूसरे पे आ जाइए, दूसरे व्यक्ति कौन है? राजेंद्र सिंह जी। सर ये राजेंद्र सिंह जी कौन है? बेटा खुद बांध बना देते, सरकार का कोई इंतजार नहीं कर रहा बांध बनाने के लिए। पानी सबसे बड़ी बात है, पानी बचाना, पानी बचाने के लिए सरकार कह रही है बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, टेंडर निकालेंगे, पहले दूसरे राज्य से अनुमति लेंगे, दोनों राज्यों के बीच बैठा के समझौता करेंगे, बांध बनाएंगे, उसके बाद गिर भी तो जाएगा बिहार की तरह, तो इसलिए इंतजार नहीं करते। ये कहते हैं हमें गिरवाना नहीं है, हमें उठवाना है, तो भैया हम खुद बना लेंगे, इन्हें वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। हाँ, एक और है संस्था ग्रीन पीस एनजीओ, इससे पर्यावरण को बचाने का कार्य करती है। अगर आप भी इसमें इच्छुक हैं तो आप स्वेच्छा से जाएं, इसके सदस्य बन जाएं, इसमें भागीदारी दें। सरकार भी पेड़ लगा रही है, आप भी लगाओ। सरकार क्या कर रही है? सर सरकार भी जन सूचना के लिए कार्यक्रम चला रही है। आप भी यूट्यूब पर अपनी एनजीओ को ले आओ, फ्री में लोगों को जानकारी साझा करो, घर घर जाओ, साक्षरता कार्यक्रम ये भी चला रहे हैं, साक्षरता कार्यक्रम एनजीओ भी चला रही है, निःशुल्क शिक्षा सरकार भी प्रदान कर रही है, एनजीओ भी कर रहे हैं। पूछो इनको पैसे ऐसे मिलते हैं कि सरकार इनको एक फंड मुहैया करवाती है कि जो भी एजेंसी काम करेगी। पहली बात तो गौरतलब याद ये रहे आपको कि ये जो जितने भी ठेके दिए जाते हैं ये ज्यादातर सरकार प्राइवेट लोगों को ही देती है, क्योंकि सरकार के पास L&T जैसी बड़ी संस्था के बराबर ना तो काम का तजुर्बा है ना तो इतने कम समय में काम करने की एफिशिएंसी है। तो सरकार क्या करती है, जैसे गंगा क्लीनिंग पे है, इसमें लोगों से आग्रह करा विफल हो गया, सीधे उठा के टेंडर देती है। तो सरकार इसमें जो पैसा आवंटित करती है वो खुद से ही करती है, संचित निधि से होता है। हाँ
हाँ हाँ पूछे पूछे भाई। कुछ कंपनी होती है वो मतलब जैसे लोग कहाँ से लखनऊ के लिए हैं उनका मतलब पूरी यूपी में ठेका चला है तो उनको तो फिर वो इसमें नहीं आएगी, वो एक अलग चीज है। जल जीवन मिशन के नहीं, जल जीवन में तो इन्होंने बता रखा है कि कॉन्टेंटर निकालेगा। हाँ उनके लिए देखिए जांच करना एक अलग दायरे में आएगा, वो सरकारी कर्मचारी करेगा, लेकिन निर्माण करने के लिए टेंडर निकाल सकते हैं। हाँ अगर एनजीओ सहयोग करती तो एनजीओ के साथ गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन किया जा सकता है, भागीदारी हो जाती है इसमें। हाँ हाँ ये बात सही, इसी को जीएसएस बोलते हैं। बाकी लोग ईमेल करो ना, ठीक है। चलो बच्चों ध्यान से सुनिए, एक से दो मिनट रहेगा बस। बहुत क्लास में सोसाइटी अपने लोगों ने पढ़ लिया, अच्छा यहाँ पे वो भी हुआ आंसर। अरुणा रॉय के बारे में और सुन लीजिए, आईएएस थी, रिजाइन मार दी, मजदूरों के लिए संगठन चलाया, भारत में आरटीआई लाने के लिए ये, और साथ में इनके साथ एक और व्यक्ति थे निखिल देव, दो लोगों को श्रेय जाता है। अरुणा राय के बारे में मत भूलिएगा। साथ ही ये बताऊं कि ये एनजीओ सरकार के साथ भी काम करती है। कैसे? जैसे दिल्ली में जितने प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें जो टिफिन जाता है वो पैक होके जाता है, मिड डे मील चलता है वहाँ, लेकिन मिड डे मील बनता नहीं है। ये काम एक एनजीओ को दे रखा है, 50 से 55 रुपए का एक टिफिन देती है पैक करके, प्लास्टिक में रैप करके, और उस टिफिन की गुणवत्ता बेहतरीन होती है, एनजीओ की भी पूर्ति हो रही है। कि हम तो गैर लाभकारी थे ही थे, लेकिन अब सरकार हमें कुछ पैसा भी दे रही है तो बहुत बढ़िया है। एनजीओ के अंदर ये फायदा होता है कि एनजीओ अपने कामों को कई बार सरकार के साथ सहयोग के साथ भी करती है। ऐसी कई केस स्टडी सब पढ़ेंगे हम, ठीक है, ऐसी कई केस स्टडी पढ़ेंगे हम। और आप उपेन यादव को जानते हैं? आज सब के लिए उपेन यादव कौन है बेटा? ये एकीकृत बेरोजगारी संगठन चलाते हैं, राज्यों की भूमिका याद दिलाने का काम इनका रहता है, ये सिविल सोसाइटी मूवमेंट चलाते हैं, इनके बारे में यूट्यूब पर पढ़िए। ठीक है, ये नोट कर लिया। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले मुझे आपको एनजीओ अधिनियम के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा, जैसे पंजीकरण और धारा 17 क्या होती है और धारा 16 जो कृष्णपाल जानना चाह रहे हैं कि किन किन कारणों से बंद की जा सकती है। इसके अंदर एनजीओ में एक चीज ये भी देखी गई कि किसी किसी के खाते में एक साल तक बाहर से बहुत सी ट्रांजेक्शन आई थी, 1 करोड़ होता है जो आपने न्यूज पढ़ी, एवं साथ में ये भी देखा गया कि कुछ एनजीओ पंजीकृत है लेकिन ना तो कार्यालय बचा है ना तो 3 साल से उन्होंने कोई भी ऐसा पेपर या कोई भूमिका निभाई है। तो उस तरीके की आहिस्ते या ऐसी स्लीपिंग एनजीओ जो बिल्कुल ही डोरमेंट पड़ी हुई थी उनको बंद कर दिया गया। तो थोड़े से अधिनियम पे चर्चा करेंगे लेकिन आपका प्रश्न है पूरा मैं इसको कर लूंगा, ठीक है बेटा। आज इसके एनजीओ के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको और बता दूंगा। हैबर बैंक का सिद्धांत है लेकिन आपके काम का नहीं, सार्वजनिक गतिविधियों का, ये भी छोड़िए, हीगल का सिद्धांत हो गया। थोड़ा सा मुझे आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताना था लेकिन कोई बात नहीं, बस इतना समझ लीजिए 2021 में भारत ने एक सहकारिता विभाग बनाया, मंत्रालय बनाया। क्या होता है सहकारिता कोऑपरेटिव सोसाइटी पता है किसी को क्या होती है? सुना है किसी ने? चलो अब ज्यादा दिमाग में लोड मत दो, तुम्हारी शक्लें बता रही है सर, बस बस सर बस। उसके बाद सर जितनी भीड़ है वो सिविल सोसाइटी आंदोलन करेगी, आप उनके कॉमन हितों का जो है वो परिगमन